A very good evening to all of you. Good evening. So how's the Josh my champions? कैसा रहा हमारा पेपर? क्या रिव्यू है आप लोगों का? चलिए आज कोशिश करेंगे नितिन, एक एक्सपेक्टेशन में बात करूंगा हर चीज के बारे में. आज हम बात करेंगे क्योंकि मैंने सिंपल चीज पॉइंट आउट किया, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, आप इसको कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं. चलिए एवरीवन जस्ट ज्वाइन द क्लास, यस वी आर लाइव. चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. पहले तो मैं आप सभी को इस बात पे बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने बहुत मेहनत से, जी तोड़ मेहनत करके, पूरे साल आपने अच्छे से मेहनत करके अपना जीपैट एग्जाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने तरह से बेस्ट वे में आपने दे दिया है. तो अब वहां पे पॉइंट आता है कि हमारा कैसे क्या चीजें होंगी, कौन से क्वेश्चन. देखिए यहां पे हमने क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रखे हुए हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस तो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो भी बच्चों से हमने कलेक्ट किए, आप ही लोगों ने दिए, उन्हीं को हमने यहाँ पे रखा है. होप सो अगर कुछ ऑप्शंस में ऊपर नीचे होता है, आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शंस कुछ ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा उनको आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे जल्दी. चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. Definitely, I will try in English also. We will communicate in English also. Okay, so don't worry. Everyone get point what I want to say. Okay, so सबसे पहले तो point आता है, आपके बहुत सारे questions हैं. Let me clear. मैं अपने बच्चों को शुरू से बोला था. All students, I have given one single points. We are doing our preparation on the basis of topic, not on the basis of question. मैंने अभी आपको कभी नहीं बोला है कि आपके ये question आएंगे, ये क्वेश्चन आपको फाइनल मिल जाएगा, कभी नहीं. मैंने हमेशा बोला कि मैं आपको फार्माकोलॉजी या जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, हमारे इंडिविजुअल फैकल्टीज हैं, उन्होंने एक टारगेट किया था कि आपको हर टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि जब टॉपिक क्लियर होगा तो आपका क्वेश्चंस बनना बहुत जरूरी है. सो वी आर नेवर सेइंग एनी वर्ड लाइक दिस क्वेश्चन विल फ्रॉम अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और फ्रॉम द अवर मॉडल पेपर, हम कभी नहीं बोलेंगे. मुझे हंसी आती है जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये कहते हैं ये हमारे क्वेश्चंस पेपर से था, ये हमारे यहाँ मॉड्यूल से था. चीजों को एक बहुत लाइटली वे में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने 4 साल की मेहनत किया, आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, तो क्वेश्चन उससे बाहर तो नहीं जाएंगे. और अगर कुछ क्वेश्चन जाते भी हैं तो भी आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं टिक करने हैं कि आपको हर क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है. ओके, सो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है. डेफिनेटली हर पॉइंट पे बात करूंगा. देखिए मैं इंडिविजुअल कट ऑफ पे नहीं जाऊंगा, एक पहले एक्सपेक्टेशन हम बात करते हैं कि अराउंड क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी होने वाली है रिगार्डिंग द जनरल कैटेगरी की. अगर मैं बात करता हूं एक बहुत वे में सिंपली हम इसको समराइज करते हैं. अगर हम बात करें, हम अगर जीपैट 2020 से जीपैट 2021 को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द क्वेश्चन, हार्ड थे, मॉडरेट थे, टफ, इजी थे, कैसे थे, मैं अगर ओपिनियन करूंगा एज अ टीचर के रूप में आपके लेवल पे क्या था, मैं नहीं अभी पॉइंट आउट करूंगा, मैं एज अ टीचर के रूप में यहाँ पे कंफर्म करूंगा, तो ये मैं इजी टू मॉडरेट में रखूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर जीपैट 2020 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था इसके कंपैरिजन में. वहां पे बहुत सारे कुछ केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों को दिमाग में हिला के रख दिए थे और सोचने पर मजबूर कर दिए थे. तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे हमारा क्वेश्चंस ऐसा हम रखेंगे कि हाँ, जो हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था उससे हमारा ये इजी था. तो हम एक कट ऑफ ना बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे एस्पिरेंट भी ज्यादा थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो और क्वेश्चन पेपर भी हमारा थोड़ा सा इजी था. उन चीजों को अगर हम एक समराइज्ड वे में देखते हैं, देन वी फाइंड दैट अराउंड जनरल कट ऑफ विल बी नियर टू द 160 प्लस माइनस 5, 165, अराउंड 155, इसके एक रेंज में होने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा. अगर आपके अकॉर्डिंग 170 आप अचीव कर रहे हो, तो मैं आपको एक
90% अश्योर कर सकता हूं कि हाँ आपका क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, अगर हम कैटेगरी वाइज आप बात करेंगे तो मैं लास्ट ईयर के ही अकॉर्डिंग जाऊंगा कि उसी कैटेगरी के रखिएगा एक्सेप्ट EWS। रीजन समझिएगा मैं क्यों EWS को कैटेगरी में यहाँ पे अलग करता हूं, बिकॉज जब हम बात करते हैं EWS कैटेगरी, लास्ट ईयर दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन EWS कैटेगरी हैव बीन जनरेटेड इन द ZPAT एग्जाम, उससे पहले नहीं होता था। तो क्या हुआ, कुछ ही बच्चों ने EWS को सेलेक्ट किया था, उस वजह से वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी एज कंपेयर टू जनरल या ओबीसी के कंपेयर में अगर हम बात करें। इस बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने EWS के थ्रू गए हुए हैं, तो अब इस बार मुझे ऐसी उम्मीद है कि उतनी डाउन तो नहीं जाएगी EWS की कैटेगरी की अगर जो भी हम बात करेंगे। ये चीज आप लोग भी जरूर समझ रहे होंगे और मेरे पॉइंट से एग्री होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा। लाइक अगर हम बात करें लास्ट ईयर 103 के अराउंड हमारा गया था EWS कैटेगरी, वो चीजें नहीं होंगी इस बार आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। सो हम अराउंड जनरल मान के चल रहे हैं, और आपको ओबीसी और कैटेगरी अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां पे आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे ही चले, दैट विल बी डेफिनेटली गुड। ओके, बात आती है आपके आंसर की, एक एक्सपेक्टेशन है, जस्ट प्रिडिक्शन है, मे बी इट कैन वेरी, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर्स अगर हम लास्ट 3-4 साल का पूरा डेटा देख के चले तो हम मान के चलते हैं एग्जाम के विद इन अ वीक हमें आंसर की ऑब्टेंड हो जाती है। हम मान के चल रहे हैं अराउंड 4 मैक्सिमम 2-4 मार्च के बीच में आपको यहाँ पे आंसर की देखने को मिल जाएगी, तो आपका जो ऑफिशियल आंसर की होगी वो 2-4 मार्च के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए आप जरूर तैयार रहिएगा, बट हियर वी हैव सम क्वेश्चन जिनके बेसिस पे आज हम बात करेंगे। अगर हम रिजल्ट की बात करें, एक एक्सपेक्टेड डेट हम रिजल्ट रखते हैं, जस्ट एक्सपेक्टेड, प्लीज मैं कोई ऑफिशियल पर्सन नहीं हूं NTA का, तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर सकता हूं कि नहीं आपका इसी डेट पे आएगा, बट एक एक्सपेक्टेड डेट हम लेके चलते हैं तो 9 to 11 मार्च ये चीज हम लेके चलेंगे, और यहाँ पे हमारा एक उम्मीद है कि इस पे हमारा ZPAT का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, मुझे मिठाई खिलाइएगा, नहीं आया तो प्लीज ब्लेम मत करिएगा। ओके, चलिए तो हम एक एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं, 9 to 11 मार्च के बीच में हमारा रिजल्ट आ सकता है। नाउ अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, EWS कैटेगरी मैंने आपको कंफर्म किया कि इस बार EWS बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो आप EWS पे अभी फोकस ये चीज का मत करिए कि आपका EWS लास्ट टाइम रहेगा या अभी रहेगा, ठीक है, तो उन चीजों को आप भी समझते हैं, इतने आप लोग मैच्योर हैं, मेरी बातें जरूर समझ रहे होंगे। बात किए हैं बेटा प्रशांत, लेकिन ऑफिशियली न्यूज जो है वो चीजें अभी उनको खुद ही नहीं क्लियर है, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे को क्लियर हो जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी बेस, जो आप सारे स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को हमको प्रोवाइड किए उन्हीं को हमने यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश किया है, और अगर थोड़ा बहुत ऑप्शंस में गलती हो, प्लीज हम लोग भी पेपर नहीं दिए हैं तो हमने जस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस को रखा है, तो प्लीज उसको नजरअंदाज करिएगा, उन चीजों को वो मत करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज एज द रिएजेंट इन लिमिट टेस्ट ऑफ विच एलिमेंट, किस एलिमेंट के टेस्ट में, लिमिट टेस्ट में हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं, लेड क्लोराइड आयरन एंड मर्करी। आपने यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शंस लिया होगा, जी हाँ, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शंस क्या होता है, क्लोराइड, बिकॉज रीजन क्या होता है, जब आप क्लोराइड की बात करते हैं, क्लोराइड आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है, और मेनली अगर हम बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं सॉल्युबल होता है, हमारा AgNO3 की बात करें ये भी हमारा सॉल्युबल होता है, लेकिन जब वो एसिडिक मीडियम में मींस इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में वो रिएक्शंस करते हैं तब वहां पे बनाता है क्या, वहां पे हमारा रिएजेंट बनता है, दैट इज द हम उसको पॉइंट आउट करें, वहां पे हमारा बनता है AgCl बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, मींस NaCl, NaCl will reacted with the AgNO3, it forms the AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जो हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि क्लोराइड आयन के टेस्ट में, मींस क्लोराइड के टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, AgNO3 का यूज करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने यहाँ पे क्लोराइड किया है, डेफिनेटली यू हैव द राइट ऑप्शंस, आप वहां पे बिल्कुल आपका सही ऑप्शंस होगा, क्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इपॉक्सी रिंग, आप सब रिकॉल करते रहिएगा, ये क्वेश्चंस थे, अगर कोई क्वेश्चंस में करेक्शन है जरूर आप कमेंट करिएगा, या अगर जो हमारे इस लिस्ट में नहीं है उन क्वेश्चंस के भी अगर आपको याद आ रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उनको पुट अप करिएगा, हम उनको सेकंड पार्ट में जरूर इंक्लूड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, इपॉक्सी रिंग फॉर्मेशन अकर्स इन विच रिएक्शन,
किस रिएक्शन में इपॉक्सी रिंग का फॉर्मेशन होता है। आपके ये ऑप्शंस थे, कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे राइट ऑप्शंस आपको क्या था, डार्जिन्स रिएक्शंस होता है जहां पे आपको हेलो एल्काइल, जी हाँ, आपका क्या होता है अल्फा हेलो एस्टर्स होते हैं। मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू लेके चलूंगा डार्जिन्स रिएजेंट में कैसे होता है। यहाँ पे जब आपका कंपाउंड की बात करते हैं, आपका अल्फा हेलो एस्टर्स, ये आपका क्या है, अल्फा हेलो एस्टर्स कंपाउंड है, और ये जब किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, यहाँ पे हमारा रहता है एस्टर के फॉर्म में इथाइल सोडियम एसिटेट हमारा रहता है, और इसके रिएक्शन जब करता है तब आपका यहाँ पे इपॉक्सी रिंग, ये जो रिंग आपको देखने को मिल रही है ना, इपॉक्सी रिंग आपको मिलती है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इपॉक्सी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है डार्जेंस रिएक्शन में। तो अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने डार्जेंस रिएक्शन किया है देन डेफिनेटली 4 मार्क्स आपके यहाँ पे जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट, गैम्बियर टेस्ट क्या होता है, गैम्बियर टेस्ट किसके लिए होता है, गैम्बियर फ्लोरसेंस टेस्ट गिव्स विच कलर, गैम्बियंस फ्लोरसेंस टेस्ट, पहले पॉइंट तुरंत रिकॉल आना चाहिए, गैम्बियंस फ्लोरसेंस टेस्ट जिसको हम फ्लोरसिन टेस्ट भी बोलते हैं, ये पेल कैटेचू के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ओनली पेल कैटेचू गिव्स द गैम्बियर फ्लोरसेंस टेस्ट करता है, और वहां पे कलर क्या ऑब्टेंड होता है, ग्रीन कलर। अगर आपने यहाँ पे ग्रीन कलर किया है देन दिस इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर ऑब्टेंड होगा, अगर आपका ग्रीन कलर है यू हैव पुट एट द राइट ऑप्शन, ये आपका डी कलर, डी आंसर सही है, ग्रीन कलर यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा। हमने अगर हम बात करें हमारे मॉड्यूल्स की, डायरेक्ट वहां पे आपको देखो देखने को मिलेगा हमारे जितने भी केमिकल टेस्ट हैं, जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं टैनिंस के, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हमारा पेल कैटेचू टेस्ट आता है जिसको हम गैम्बियर फ्लोरसेंस टेस्ट भी बोलते हैं, जहां पे आपको पेल कैटेचू और पेट्रोलियम स्पिरिट और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक मीडियम में जब रिएक्ट कराते हैं देन ग्रीन कलर फ्लोरसेंस ऑब्टेंड होता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन था जो हमारे पेल कैटेचू के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग is not intrinsic value, इनमें से intrinsic property कौन सी नहीं है। दो टाइप की property होती है, intrinsic property और extrinsic property, volume, concentration, density and pressure। अगर इनसे हम बात करें means जो हमारी original होती है उनमें से हमारा volume एक ऐसा है जो हमारी intrinsic नहीं extrinsic property में आता है। आपने इस चीज को clear किया होगा GDC digester, अगर आपने जरूर परचेज किया होगा वहां पे आपको ये ऑप्शंस मिला होगा। ये डाइजेस्टर नंबर फर्स्ट डाइजेस्टर में है, पेज नंबर 5 पे आपको ये दिया गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमारे क्या आएंगे, डिपेंड ऑन द मास, अगर कोई भी हमारा मास पे डिपेंड करता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे मास पे नहीं डिपेंड करेंगे, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी। तो वॉल्यूम का ऑप्शन था आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ए, दैट इज द वॉल्यूम, राइट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइक्लोस्पोरिन, इसके ऑप्शंस में थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन था बट एक पॉइंट आपको जरूर लेके चलना है, साइक्लोस्पोरिन हाउ द रिएक्ट, साइक्लोस्पोरिन हमारी कैसे रिएक्ट करती है। ये कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर होती है, इम्यूनो सप्रेशन क्लास के अंतर्गत आती है, ये हमने क्लास में डिस्कस भी किया था जब हमने 500 MCQ सीरीज की बात किया था, वहां पे आता है। ये हमारे इंटरल्यूकिन 2 के प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, और इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन अगर हमारा इनहिबिट होगा वो साइटोकाइनिंस के प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। एग्जैक्टली ये हमारा यहाँ पे, सर ये लास्ट टाइम डाइजेस्टर पढ़ा था तो सही हुआ आंसर, ओके अक्षय, वेरी गुड, ये पॉइंट होता है, यही हेल्प होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे, एक चीज आपको याद रखना था, स्टिमुलेशन या इनहिबिशन था, आपको एक लाइन से आंसर मिलता, इनहिबिशन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 के इनहिबिशन से आपको यहाँ पे राइट ऑप्शंस मिल गया। तो राइट ऑप्शंस यहाँ पे क्या हुआ, कट ऑफ, मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑलरेडी बता दिया है राहुल, ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा यहाँ पे क्या मिला, हम 160 प्लस माइनस 5 पे चल रहे हैं, ये हमारा जनरल का कट ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। तो साइक्लोस्पोरिन हमारा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, टैक्रोलिमस साइक्लोस्पोरिन दो ड्रग आती है, ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन 2 का जो प्रोडक्शन होता है उसको ये हमारी इनहिबिट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हमें पाए जाते हैं, किसमें, 1,3-butadienes में, 1,3-butadienes में हमारे कितने यहां पे हैं, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा 4 pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कितने होते हैं, 4 pi मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इफ यू हैव पुट इट द 4 देन इट्स द करेक्ट। चलिए रश्मि, वेरी गुड,
अगर मेरी आवाज गूंज रही होगी तो कोई भी फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो आपका क्या हुआ, 4π मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे सही है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया 13-butadienes, आपको 13-butadienes है। यहाँ पे आपको 4 कार्बन देखने को मिलेंगे और हर कार्बन में आपको क्या है, हर कार्बन में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, 4 आपका पाई ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अजीत आप 500 कर दीजिए बेटा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां कहूंगा आपसे, ठीक है आपका अगर इतना अच्छा पेपर गया देन इट्स सो गुड। ओके चलिए नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन बेस, ये क्वेश्चन आप लोग अभी कमेंट कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन बेस कौन सा है, हमारा कौन सा बेस ऐसा है जो ऑइंटमेंट में यूज होता है एंड हैव द प्रॉपर्टी एब्जॉर्प्शन बेस। आपने डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखे, बट यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शंस होगा वो लैनोलिन होगा, क्योंकि लैनोलिन आपका जो होता है ये आपका एब्जॉर्प्शन बेस ऑइंटमेंट होता है। अगर मैं पेट्रोलियम जेल, लिक्विड पैराफिन या सॉफ्ट पैराफिन की बात करूं, ये हमारे क्या होते हैं, इनके ऑप्शंस के बेसिस पे मैं चलूं, ये चार्ट आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टर का ही चार्ट मैंने आपको यहाँ पुटअप किया है, ये डाइजेस्टर के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा। ओलिजिनस बेस, ओलिजिनस बेस में सॉफ्ट पैराफिन, हार्ड पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, एंड एब्जॉर्प्शन बेस में वूल फैट, बीज वैक्स एंड हाइड्रस वूल फैट, जिसको हम लैनोलिन भी बोलते हैं। तो जिन्होंने भी ये लैनोलिन पॉइंट किया होगा, देन योर आंसर इज करेक्ट। तो क्या डालना था, लैनोलिन वहां पे था, दैट इज द हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑइंटमेंट था। ओके, वन करेक्ट ऑप्शन इज मिसिंग। अनिल जरूर आप कमेंट करिएगा, जरूर हम उसको देखेंगे क्या था, ये मेरा सही था। ओके चलिए, तो हमारा क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद द नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला था कि अगर हम बात करते हैं कि अगर ग्लूकोज हमारा नाइट्रिक एसिड मींस एसिडिक रिएजेंट के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन था ग्लूकैरिक एसिड, क्या बन रहा था, ग्लूकैरिक एसिड इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने यहाँ ग्लूकैरिक एसिड दिया है देन दिस इज द राइट ऑप्शन, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है ग्लूकैरिक एसिड। कैसे, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है, जब ग्लूकोज एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है देन आपका जो ये ऊपर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये एल्डिहाइड ग्रुप भी आपका क्या बन जाता है, एसिडिक ग्रुप बन जाता है। तो हमारा क्या होता है, ग्लूकैरिक एसिड। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू द एसिडिक, देन इट इज द ग्लूकैरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन आपने निकाला होगा, बिल्कुल आपका सही होगा, कोई बात नहीं बेटा, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जा रहा है कि आपका ग्लूकैरिक एसिड कैसे सही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमिनेशन करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई होता है, तो ऑस्मोटिक डिटरमिनेशन के लिए हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है कौन सा, बर्कले हार्टली मेथड। ये ऑप्शन आपका सही था, बाकी आपको किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम विक्टर मेयर मेथड की बात करें, विक्टर मेयर मेथड हमारा मॉलिक्यूलर वेट मेजर करने के लिए होता है, देन दिस इज द राइट ऑप्शन। नाउ अब अगर हम बात करते हैं बर्कले हार्टली मेथड, दिस इज द मेथड फॉर द ऑस्मोटिक, तो राइट ऑप्शन क्या था, बर्कले हार्टली मेथड इज फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। चलिए ओके, कोई बात नहीं ऋतिक, कोई बात नहीं, गलत हुआ ठीक है, आगे हमारे काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, सबसे इजी क्वेश्चन, हमने क्लास में बहुत सारे हलवे खाए थे, उन्हीं में से एक यहाँ पे था, उन्हीं में एक था हमारा, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14, 7, 21, 28। बहुत इजी ट्रिक के साथ ये चीजें मैंने अपने वीडियो में एक बार डिस्क्राइब किया था, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे मेरा इस वीडियो को देखा होगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमारे कितनी होती है, 14 बोन्स हमारी कितनी होती है, 14 बोन्स हमारी फेशियल बोन्स में होती है। कैसे इसको याद रखे थे, एक ट्रिक बहुत अच्छा दिया था, वो मन को लेके मेरे पलट ना जाए, हर लड़का यही डरता है कि लड़की उसके मन को लेके पलट ना जाए, उसी से हमने ये ट्रिक बनाया था। क्या था, वो मन को लेकर मेरे पलट ना जाए, मींस वोमर, मैंडिबल, कॉनका, लैक्रिमल बोन्स, मैक्सिला, पैलेटाइन बोन्स, नेजल बोन्स एंड जाइगोमैटिक बोन्स। हमारी सारी दो दो हैं, सिर्फ वोमर और मैंडिबल ऐसी हैं जो एक एक बोन्स होती हैं। सो ये ट्रिक याद रही होगी तो 14 आप जरूर निकाल दिए होंगे, टोटल 14 बोन्स होती हैं हमारी यहाँ पे। ओके चलिए, आपका 14 बिल्कुल करेक्ट है, सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सही ऑप्शन दिया जरूर। चलिए कोई बात नहीं तनुश्री, कोई बात नहीं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रिक्निन। स्ट्रिक्निन ब्रूशिन हमारे दो ये कंपाउंड होते हैं, किससे ऑप्टेंड होते हैं? स्ट्रिक्निन नक्स वोमिका। जी हाँ, नक्स वोमिका से हमारी स्ट्रिक्निन ऑप्टेंड होती है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना क्वेश्चन बताएंगे सर? चलिए, तो हमारा रिंग कौन सा प्रेजेंट है हमारे स्ट्रिक्निन में? आपका ये सिंपल आंसर था, एक आपका एल्कलॉइडल क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चंस था, एल्कलॉइडल रिंग बेसिस क्लासिफिकेशंस था। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शंस क्या होगा? इंडोल रिंग, जी हाँ, इरगर्ट एंड नक्स वोमिका, ये हमारे किस में आते हैं? इंडोल रिंग कंटेनिंग होते हैं। कौन कौन सी हमारी आ गई? लाइक हमने यहाँ पे बात किया था इंडोल, इंडोल में इरगर्ट, नक्स वोमिका, राउल्फिया, विंका एंड फाइसोस्टिग्मा, ये हमारे पांच प्लांट होते हैं जो इंडोल कंटेनिंग एल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं, कम किए कोई दिक्कत नहीं है, बस जो किए वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए। तो इंडोल आपने किया, बहुत बढ़िया आंसर आपका, बहुत बढ़िया आपने वहां पे किया है डेफिनेटली, और ये एश्योरिटी देती है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है। चलिए नेक्स्ट क्या है? विच क्लासिफिकेशन हर्बल ड्रग बेस्ट डिस्क्राइब द सिंथेसिस एंड बायोजेनेटिक पाथवे। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, मेरे से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कॉल किया, मैसेज भी किया, सर इसमें क्यों हमारा ये होगा? ओके, तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अदर क्लासिफिकेशन आपके और भी रहे होंगे, लेकिन राइट ऑप्शन क्या है? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स सिंपल द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। और अगर आप बात कर रहे हो सिंथेसिस एंड बायोजेनेटिक पाथवे की बात कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शंस क्या होगा? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शंस एक ही होगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे ही, क्योंकि हम बायोजेनेटिक पाथवे के थ्रू एक पाथवे से एक ही केमिकल तो ऑब्टेंड होगा ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे हमारा होता है, दैट इज द राइट ऑप्शंस, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज द राइट ऑप्शंस। आपको यहाँ पे आंसर जरूर मिला होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। टॉक्सिमल भी था, हाँ टॉक्सिसिटी का था, मैंने क्या बोला, ऑप्शंस अदर हो सकते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन आपका आंसर यहां पे क्या था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आपका यहां पे करेक्ट रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कितनी बार आपने इसको नेम्ड रिएक्शंस में क्लियर किया है, ठीक है, केमिकल किया है, कोई बात नहीं, जग्रुप अब कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, आगे केमिकल क्यों नहीं? केमिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पे बायोजेनेटिक पाथवे के थ्रू हमारा एक ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो थोड़ी ना बनेगा, कई सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट वहां पे डेवलप होते हैं, इस बेसिस पे वहां पे कीमोटैक्सोनॉमिकल ही होगा। चलिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारा किस फॉर्मेल्डिहाइड, जब फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद फॉर्मेल्डिहाइड, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, आपने सिंपली यहां पे पढ़ा होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या प्रोड्यूस करता है, आपका अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। मींस अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर आप यहां पे एस्टेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने यहाँ पे सही पॉइंट निकाला, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल का। जरूर अगर आप में से कोई भी बच्चा सीरियस होंगे तो जरूर मेरी बातें आपको जरूर समझ में आ रही होंगी, उन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बेटा प्रिपरेशन सबके करने की बस की बात नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपनी मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कृष्णा की, बेटा अभी एससी कट ऑफ मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं कि उतना ही होने के चांसेस हैं, अगर वहां पे थोड़ा बहुत वेरिएबल होगा तो उसके लिए अराउंड आप 105 और 110 तक मान सकते हो, अगर 110 प्लस आपका है देन डेफिनेटली आप क्वालिफाई वाले रेंज में हो। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, हमने बात किया प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बेटा फार्माकोग्नोसी में इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं होगा, अनऑर्गेनाइज्ड, दो हमारे केमिकल हमारे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट के हमारे प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दो चीजें आपको, दो टाइप के आपको मिलते हैं। यहां से आपसे पूछा गया था अनऑर्गेनाइज्ड गम एकेसिया रूट लीफ बार्क, देखिए रूट लीफ फ्रूट बार्क, अगर इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो ये सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि अगर हमने लीफ देखा, हमने अगर आम की लीफ देखा, मैंगो की लीफ देखा, तो हम देख के बता देंगे तो हम उससे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं अकेसिया गम की, तो वो तो गम है, चाहे अगेसिया गम हो चाहे ट्रैगाकैंथ गम हो, हम उसको नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो अनऑर्गेनाइज का एग्जांपल क्या होगा? गम अकेसिया, आपने यहाँ पे निकाला होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? गम अकेसिया, ठीक है, यहाँ पे राउल्फिया रूट था, चलिए मैं आपके ऑप्शन के मान लेता हूं, लेकिन राउल्फिया रूट तो है ना, अगर रूट है तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, अगर रूट है तो वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, चाहे जिस प्लांट का होगा। ओके, तो आपको यहां पे ऑप्शंस मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड में आपके जूस आ जाएंगे, फैट्स आ जाएंगे, गम्स आ जाएंगे, रेजिन्स, वैक्सेस, लेटेक्स एक्सट्रैक्ट, ये सारे हमारे अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मैंने आपको एक नहीं कई बार बोला होगा बेटा क्लॉटिंग फैक्टर याद कर लीजिएगा, ट्रिक दिया था आपको, वीडियो में लिंक भी दिया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के ट्रिक याद करना है, और डायरेक्ट क्लॉटिंग फैक्टर के ट्रिक से ये पूछा गया था। आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज को एडमिट करेंगे कि हाँ सर ने इसका ट्रिक दिया था। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए हम बात करते हैं, ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर के डायरेक्ट से आता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर हमारा 8, बिल्कुल फैक्टर 8 इज द हीमोफिलिक फैक्टर ए, तो अगर फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होगी तभी तो हीमोफीलिया ए डेवलप होगा ना, बिल्कुल, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? फैक्टर, अब डिफरेंट फैक्टर्स का क्लासिफिकेशन आपको है बट अभी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं, ये हमारा डाइजेस्टर के क्लासिफिकेशन से है, डायरेक्ट डाइजेस्टर का यहाँ पे दिया गया है। ओके, 16 क्वेश्चन नंबर, 16 क्वेश्चन नंबर में क्या है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन इंसुलिन, बेटा इससे इजी भी कुछ हो सकता था क्या? ह्यूमन इंसुलिन में कितना हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं? राइट ऑप्शन क्या हुआ? 51, कितने हुए? 51। जी हाँ, आपने पढ़े होंगे दो चेन्स होती है, ए चेन बी चेन्स, आपस में वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ए चेन्स में हमारे यहाँ पे 21 प्रेजेंट होते हैं और बी चेन्स में हमारे 30 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपने क्लियर किया होगा मुझे ऐसा उम्मीद है। ये क्वेश्चंस हर बच्चे ने सही किया होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है इसमें आपको गलती नहीं हुई होगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर करेक्शन होगा तो जरूर आप मुझे बताइएगा। पाइरानोज एंड ग्लूकोज, इन दोनों में आपको आइसोमेरिज्म फाइंड आउट करना था, पाइरानोज एंड ग्लूकोज में कौन सी आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है? आई एम विनय सैनी, रिसेंटली आई एम फ्रॉम स्ट्रीमिंग दिस वीडियो फ्रॉम द इलाहाबाद, बट हमारी पूरी टीम इस पे काम करती है। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं हमारा पाइरानोज एंड ग्लूकोज, इनमें कौन सा, दो चीजें होती हैं, आप जब ग्लूकोज की बात करते हो एक आपका उसमें ग्लूकोज हमारा क्या होता है? स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है। पाइरानोज हमारी क्या होती है? सिक्स मेंबर रिंग होती है जहां पे आपको ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और दूसरा हमारा होता है फ्यूरानोज होता है। तो पाइरानोज और ग्लूकोज में हमारा टॉटोमर्स मिलता है, कौन सा मिलता है? टॉटोमर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आपने यहाँ पे सी किया होगा, पाइरानोज फ्रॉम द ग्लूकोज सोर्स, दैट इज द इक्वेशन। ओके, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए जरूर इसको एक बार पॉइंट आउट कर लेंगे, देख लीजिएगा एक बार क्या है, जरूर हमारी तरफ से ये इस पे आता है। नाउ सबसे इजी क्वेश्चन, एंसामाइसिन एंटीबायोटिक, जी हाँ एंसामाइसिन एंटीबायोटिक कौन सी होती है? एंसामाइसिन एंटीबायोटिक हमारी होती है कौन सी? वन एंड ओनली वन, यहाँ पे आपको रिफैम्पसिन, रिफामाइसिन डेरिवेटिव, अगर आपने माइसिन से देखा होगा ना तो भी आपने निकाल दिया होगा रिफामाइसिन, कितनी बार हमने बात किया था, रिफामाइसिन एंसामाइसिन डेरिवेटिव होती है, रिफैम्पसिन एंड रिफाब्यूटिन दो हमारी होती है, बिल्कुल यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिला होगा। बी कैसे होगा? बी कैसे होगा आंसर? ए होगा बेटा। ओके चलिए, तो रिफाम्पसिन हमारी यहाँ पे एंसामाइसिन डेरिवेटिव क्या हुई? रिफाम्पसिन, वन एंड ओनली वन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए हमने एंसामाइसिन के बारे में बात किया, रिफामाइसिन हमारी एंसामाइसिन डेरिवेटिव होती है जो माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट यूज होती है, अभी मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। वॉल्यूम इंक्रीजेस इन विच फ्लो व्हाइल इंक्रीजिंग शियर स्ट्रेस, अगर आप शियर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम किस में इंक्रीज होता है? डायलेटेंट, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन एंड स्यूडोप्लास्टिक, अगर इनमें से आप बात करें वॉल्यूम इंक्रीज होने की कंडीशन सिर्फ एक में डेवलप होती है, दैट इज द डायलेटेंट, बिल्कुल ये हमारा डायलेटेंट पे आता है। सर जो मार्क को रिव्यू किए होते हैं वो सेव नहीं होते, प्लीज बताएं।
तो यहां पे हमारा पॉइंट क्या आएगा, यहां पे हमारा पॉइंट आएगा डायलेटेंट। क्या पॉइंट आया होगा? डायलेट, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम इंक्रीज की बात हो रही है, ठीक है। हाँ ये ए होगा, ये ए होगा, ओके थोड़ा सा इसको चेक करिएगा। वॉल्यूम इंक्रीज की अगर हम बात करते हैं, हमारा डायलेटेंट में आता है जहां पे हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या था? प्रिजर्वेटिव आर नॉट एडेड, किस में नहीं एड होते हैं? इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया, सिंपली हम बात करते हैं लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल। अगर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल है तो वहां पे हम बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव एड नहीं करते। एक लाइन का आंसर था लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, इसमें प्रिजर्वेटिव एड नहीं होते। जल्दी से मुझे कंफर्म करिएगा कि यहां पे आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ। ओके तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्रिजर्वेटिव में, कोई डाउट नहीं होगा। नाउ आईसीएस गाइडलाइंस, आप देखो पिछले साल भी मैंने आपको पॉइंट आउट कराया था कि आईसीएस गाइडलाइंस आया था, इस बार भी उससे आया। ज्यूरिसप्रूडेंस में हमने इस चीजों को पढ़ा हुआ था, आईसीएस गाइडलाइंस यहाँ पे आपका पॉइंट आता है, दैट इज द आईसीएच Q1D। Q1D हमारा किससे रिलेटेड है? आपने जब ICS गाइडलाइंस पढ़ी होगी, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे देता हूँ, ब्रैकेटिंग एंड मार्केटिंग यहाँ पे आती है, बट अगर हम बात करते हैं हमारी जो Q1 आती है, पूरी हमारी Q1 सीरीज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी किससे आती है? सॉरी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हमारी Q1 टू Q हमारी आती है। ओके अब यहाँ पे हमारा पॉइंट हुआ Q1D के बारे में बात करें। Q1D में हमारा ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिसिंग डिजाइनिंग फॉर द स्टेबिलिटी आता है किसी भी न्यू ड्रग सब्सटेंस के बारे में। बिल्कुल, अगर जिसने भी यहाँ पे ब्रैकेटिंग पॉइंट दिया होगा, देन डेफिनेटली आपके 4 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में जुड़ने वाले हैं। ये हमारा डाइजेस्टर, डायरेक्टली डाइजेस्टर नंबर 3, सिर्फ इनिशियल से ही बात कर रहा हूँ, थर्ड डाइजेस्टर में 81 पेज से आपको ये देखने को मिला होगा। ओके सर, लॉट बैक्टीरियोस्टेटिक वाटर था। ओके ठीक है, हो सकता है। मैंने बेटा देखो, हम भी आप ही लोगों से, आप लोगों से, बच्चों से मेरी बातें हुई, आप ही लोगों ने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं उन्हीं पे चल रहा हूं। अगर गलतियां हो प्लीज मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको ऑप्शन सही देने का। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किसमें आता है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 21 करके आए होंगे, लेकिन 21 नहीं होगा। क्वेश्चन पे क्या देखना था? क्वेश्चन पे देखना था पावर, क्योंकि जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कैरिड आउट अंडर द 21, अंडर द 21 अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन पावर पूछ लिया गया तो पावर हमारा किसमें आएगा? 22 में। पावर किसमें आएगा? 22 में। तो जिन्होंने भी 22 किया होगा वो करेक्ट है, बिल्कुल अमित, यहाँ पे 21 नहीं है, 22 होगा। मैं आपको एनके जैन बुक की डायरेक्ट आपको पेज दिखा रहा हूं, पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 22 किसमें आया? सेक्शन 22 में पावर आता है, और 21 में हमारा अपॉइंटमेंट आता है। अपॉइंटमेंट गिवन नहीं, आई होप पावर ही दिया था, पावर ही दिया था, इसलिए आप इसलिए कंफ्यूज मत हो। तो पावर के लिए क्या ऑप्शन सही होगा? 22 के बारे में बात होगी। नाउ इजिएस्ट क्वेश्चन, कितनी बार बेटा इसको हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था अंडर द 500 एमसीक्यू सीरीज में। बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट, वन एंड ओनली वन फ्लुमाजेनिल। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके अगर मेरी ये बात सही लगी होगी, आपने कितनी बार इस क्वेश्चन को क्लियर आउट किया होगा मेरे साथ लाइव क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 21 में हमारा, 23 में क्या होगा? फ्लुमाजेनिल, फ्लुमाजेनिल इज द राइट ऑप्शन। फ्लुमाजेनिल क्या होता है? हमारा बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट होता है। पावर था, पावर ही था बेटा, पावर ही था। ओके चलिए, पावर था तो 22 ही सही है, कोई इसमें डाउट मत रखिएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एपरेटस, डिसोल्यूशन रेट इज डिटरमाइंड बाय विच इक्वेशन? ये अगर आप कहते हो ना सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? हाँ बेटा रिपीट होते हैं। हियर इज द जीता जागता एग्जाम्पल, एंडरसन पिपेट, डिसोल्यूशन रेट के बेसिस पे, अच्छा सॉरी डिसोल्यूशन रेट, हाँ डिसोल्यूशन रेट हमारा किसके लिए है? नॉइज़ विटनी इक्वेशंस के लिए है, नॉइज़ विटनी इक्वेशन। अगर हिगुची इक्वेशंस की बात करें तो ऑइंटमेंट से ड्रग रिलीज के लिए बात करता है। यहाँ पे आपका पॉइंट है सर, आप मोर एंड मोर टाइम बोला इस क्वेश्चंस का आंसर। बिल्कुल सुबोधीप, जरूर हमने इसके बारे में कई बार बात किया था, दो बार रिपीट किया था गजानन, बिल्कुल। चलिए तो नॉइज़ विटनी इक्वेशंस हमारा यहाँ पे सही था डिसोल्यूशन रेट के बारे में, जी हाँ नॉइज़ विटनी इक्वेशंस हमारा पॉइंट आता है।
नॉइज विटनी क्वेश्चंस क्या है, डीसी बाय डीटी के सी एस माइनस सी बी हमारा आता है ये आपने। अब इससे बताओ बेटा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से इजिएस्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, और अगर आपसे ये क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, हमेशा हम बात करेंगे लेमडा मैक्स, लेमडा मैक्स हमारा क्या होगा, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होगा। वेलकम नेहा, वेलकम, जरूर हम यही पॉइंट करते हैं कि चीजें आपको सही मिले और ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी हो सके। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी इज नेसेसरी। अमित मित्तल प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट मेरी क्लास को बेटा केवल एजुकेशनल क्लास रहने दो, प्लीज मत करो। हर कोई इंसान अपनी जगह सही होता है, प्लीज डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, अदरवाइज बेटा मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आप अच्छे बच्चे हो तो आप उसी हिसाब से क्लास में रहो ना, ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं है बेटा कि आप ऐसे रिएक्ट करें। ओके हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी मींस लिस्ट ऑफ द ड्रग्स प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, जितनी भी हमारी ड्रग्स हमारे हॉस्पिटल में प्रेजेंट हैं, वही हमारी क्या होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में रखी जाती हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके तो अगर आपने यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्रग्स प्रेजेंट इन हॉस्पिटल्स रखा है डेफिनेटली आपके चार मार्क्स यहाँ पे और जुड़ने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच हैज लिमिटेड परफ्यूजन, ये मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, मुझे इनके ऑप्शंस में जो मैंने बनाए हैं ये बच्चों ने दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर आपको ऑप्शंस इसमें याद है विच हैज द लिमिटेड परफ्यूजन तो जरूर आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ये ऑप्शंस गलत है, क्योंकि लिमिटेड परफ्यूजन मतलब उसमें लिपिड सॉल्युबिलिटी हमारी नहीं होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी होगी और उसके बेसिस पे होगा। लिस्ट ऑफ प्रोटीन, ओके स्टाफ लिस्ट नहीं आएगी, मेडिसिन ही आएगी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का मतलब ही हमारा मेडिसिन आता है, इक्विपमेंट है था। ओके लाइपोफिलिक, ओके तो हाँ अगर यहां पे आपका ये था लिमिटेड परफ्यूजन ऐसा ही था। वेलकम फेला, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये आंसर आप मुझे कमेंट पे जरूर करिएगा, वाटर सॉल्युबल का ऑप्शन पे क्या था या क्या नहीं था, आयनिक भी था। ओके ठीक है, पेपर वाकई इजी था, हम जरूर इसको मेंशन करते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही हमारा पेपर था। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रंस, पॉइंट करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपने पढ़े कि नहीं पढ़े मेरे साथ में, मैंने यही यूट्यूब में आपको डिस्कस किया था, एस्पिरिन प्रोड्यूसेस द रेज सिंड्रोम, ये रेज सिंड्रोम कॉज करती है, रेज सिंड्रोम, वाटर सॉल्युबल इज वन ऑप्शन। चलिए ठीक है, आप इस चीज पे आपको देख के चलना होगा थोड़ा सा क्या था, मैं आपकी बातें समझ गया, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। यहाँ पे आपका क्या था, एस्पिरिन हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि चिल्ड्रंस में वो क्या डेवलप करती है, रेज सिंड्रोम डेवलप करती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपको जरूर आपने किया होगा, रेज सिंड्रोम किया होगा, बिल्कुल किया होगा, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके रेज सिंड्रोम बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन वन बी एंटी एरिथमिक ड्रग, यहाँ पे आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी हमारी ऐसी ड्रग है जो क्लास वन बी की क्वेश्चन रॉन्ग सर, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेट लिमिटेड। ओके ममता अगर ऐसा था तो जरूर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेकआउट करूंगा, क्योंकि आप ही, मैंने पहले बोला मैंने पेपर नहीं दिया है, मुझे नहीं याद है, बट हम आप लोगों से जो मिले हैं क्वेश्चन उन्हीं को हम क्लियर करके करते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ, लिडोकेन, क्योंकि हमने ट्रिक से याद किया था, अगर जो भी ऑप्शन रहा होगा एंटी एरिथमिक का क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा गया है तो मुझे पूरी उम्मीद होगी आप सारे बच्चों ने क्लासिफिकेशन मेरे उस ट्रिक से जरूर निकाला होगा। क्वेश्चन प्रोड्यूस डिफिकल्टी मेडिकल लैब फार्मासिस्ट फाइंड मोर प्रॉब्लम, आप कितनी बार मैंने इस चीज को डिस्कस किया था, तो आपने उस चीज को जरूर यहाँ पे क्लियर किया होगा, नॉट पूछा था इसमें कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए क्या पूछा गया था क्या मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको मुझे इतना उम्मीद है कि उस ट्रिक की वजह से आपने जरूर यहाँ पे सही निकाला होगा, ठीक है। अगर सही निकाला होगा तो जरूर आपको उसके एक बार पॉइंट आउट करिएगा, इनकरेक्ट मैथ था बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप मुझे बताइएगा क्या हमारे उस ट्रिक से आपने निकाला कि नहीं निकाला, सही गलत किस था सर, कैसे बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, उसका ऑप्शन बीटा ब्लॉक करता है, ठीक है। चलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, आपने इस ट्रिक से तो निकाला होगा ना कि फर्स्ट क्लास हमारे
क्या आती है, बीटा ब्लॉकर मेम्ब्रेन, सोडियम ब्लॉकर हमारे मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, बीटा टू हम क्लास टू बीटा ब्लॉकर, क्लास थ्री हमारी प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पोटेंशियल जिसमें हमारी आती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास फोर में आपने कैल्सियम चैनल ब्लॉकर यहाँ पे पढ़ा होगा। तो ये चीजें आपको क्लासिफिकेशन से वेरी इजी था, लिडोकेन ऑप्शंस नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने क्लियर कर दिया, नहीं था जरूर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन सर पायनियर एकेडमी से 100 क्वेश्चंस कॉमन है, जीडीसी क्लासेस से कितना आया? अजीत एक भी नहीं आया। अजीत मैं कभी नहीं कहूंगा, जीडीसी कभी ये क्लेम नहीं करती है कि हमारे नोट से हमारे क्लासेस से हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं फॉर द एग्जाम, नॉट क्वेश्चन रटाते हैं। मैं क्लियर करता हूं, कभी भी कोई भी बच्चा इस चीज को नहीं बोल सकता है कि जीडीसी ने कभी ये बोला हो कि ये क्वेश्चंस आप रट लो आपके आ जाएंगे। हम प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन नहीं रटते हैं। ओके चलिए, विगाबैक्ट्रिन ये डायरेक्ट हमने इस चीज को पढ़ा था। विगाबैक्ट्रिन हमारी क्या होती है, गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, ट्रिक से हमने ब्रेक करके निकाला था। गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है, ये गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर आती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर, ये ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। ये इजी था या नहीं था जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल हमें यहाँ पे देखने को मिला होगा, बिल्कुल गाबा ट्रांसएमिनेज इनहिबिटर। चलिए क्वेश्चन, ये हमने बात किया था ट्रिक से, अभी इसके बारे में यहां पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डिटेल की स्टडी अभी नहीं करना है। थैंक यू मेयर, थैंक यू। हमारा टारगेट आपको बेटा, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि आपको मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन दूं। मैं हर बार हर क्वेश्चन पे ये बोलूंगा इट्स जस्ट अ मेमोरी बेस्ड, डायरेक्ट हो सकता है, इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें थी वो हमारा पॉइंट वहां पे कैसे सही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, हमारा फोर मेंबर्ड साइक्लिक फुल्ली सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, ये इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीटेन, ये क्या होता है, ऑक्सीटेन हमारा होता है। ऑक्सीटेन में हमारा क्या होता है, सिंपल आपको देखने को मिलेगा, ये न्यूक्लियस आपका होता है ऑक्सीटेन। क्या है, फोर मेंबर्ड फुल्ली अनसेचुरेटेड, फुल्ली अनसेचुरेटेड यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखने को मिलता है, ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीटेन होता है। ओके ये आपको देखो जीडीसी मॉड्यूल पेज नंबर 10 में, मॉड्यूल 10 में आपको पेज नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 10 में पेज नंबर 1 पे पहले में ही हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये पॉइंट आपका आता है ऑक्सीटेन। बिल्कुल जिन्होंने किया होगा, डेफिनेटली यू हैव गॉट द राइट ऑप्शन, दैट इज द ऑक्सीटेन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फोर मेंबर साइक्लिक रिंग जहां पे ऑक्सीजन हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड में है। ओके ये क्वेश्चन आया व्हील एंड फ्लेयर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, व्हील एंड फ्लेयर आपको किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी में देखने को मिलता है, व्हील एंड फ्लेयर आपका सर वेरी फुल योर स्टडी मटेरियल, थैंक्स, थैंक यू विकास, थैंक यू, इट इज इन योर, थैंक यू। बिल्कुल तो यहाँ पे देखिए, ठीक है बेटा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दीपांकर, हो सकता है क्वेश्चंस नहीं सही होगा, पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप मेरी अगर फीलिंग समझोगे, बातों को समझोगे, आपको जरूर वहां पे आपको काम की चीज मिल जाएगी। ओके यहाँ पे हमारा पॉइंट था व्हील एंड फ्लेयर टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे आपको ये देखने को मिलेगा। जी हाँ, ट्रिपल रिस्पॉन्स आपका, ट्रिपल रिस्पॉन्स में आता है व्हील फ्लेयर, आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे आपका कॉलर डॉलर आपको देखने को मिलता है व्हील एंड फ्लेयर। बिल्कुल ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी, व्हील एंड फ्लेयर किसमें मिलेगा, टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी में देखने को मिला होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंट हमारी टाइप वन टू थ्री फोर जिसको हमने एबीसीडी के नाम से भी क्लासीफाई किया था, आपने इस चीज को जरूर निकाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, सील कोटिंग, ये पॉइंट रहा होगा, बाकी क्वेश्चन आगे पीछे कुछ भी रहा होगा उसको छोड़ दो। सील कोटिंग का मतलब आपसे पूछा गया था, जब आप सील कोटिंग करते हो, सील कोटिंग का मतलब एक ही होता है कि मॉइस्चर लॉक करना है, मॉइस्चर लॉक करना है। बिल्कुल निखिल, अगर आप तैयारी किए हैं, एग्जाम अपने पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बेस्ट वे में दिए हैं, डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट मॉइस्चर लॉक। सील कोटिंग किस लिए करते हैं, ये हमारा सुगर कोटिंग था, वहां से बहुत से क्वेश्चन आए थे। थैंक यू रीमा, थैंक यू, थैंक यू अनुज, थैंक यू अनुज। जीडीसी हम सब से है, जीडीसी अकेले मेरे दम से नहीं है, जीडीसी सिर्फ एक पर्सन से नहीं हो सकती है, जीडीसी इज द टीम। जितना हमारी टीम इंपॉर्टेंट है उतने ही आप लोग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीडीसी को बेस्ट आप लोग बनाते हैं, हम अपना एफर्ट देते हैं, आप लोग उसमें सहयोग करते हैं, इस वजह से जीडीसी हमारा रिजल्ट देता है। बिल्कुल थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आ जाओ,
अगर हम बात करते हैं कोटिंग, आपने पढ़े होंगे हमारे स्पेशलाइज्ड कोटिंग, सुगर कोटिंग, इंट्री कोटिंग, फिल्म कोटिंग, ठीक है, तो सुगर कोटिंग में ही तो पूछा गया होगा ना सील कोटिंग, बिल्कुल, चलिए सील कोटिंग ही था, बिल्कुल सील कोटिंग ही था, सुगर कोटिंग में रहा होगा। थैंक यू शिखा, थैंक यू, अगर आपने लेक्चर्स लगातार देखे होंगे तो आपको हेल्प मिली होगी और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, ऐसा मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज कम्स अंडर विच फॉर्म्स, यहाँ पे एक चीज आपको देखना था, इम्पोर्ट और किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर बात की जा रही है, देन अंडर द पर्सनल यूज, अंडर द पर्सनल यूज यहाँ पे हमारा क्या आता है, फॉर्म नंबर 12A, फॉर्म नंबर 12A, ये पॉइंट आपका यहाँ था, यही आपका राइट ऑप्शन है क्योंकि पर्सनल यूज के बारे में बात हो रही है। चलिए मैं इम्पोर्ट वाले जल्दी से फॉर्म नंबर आपको सारे एक बार क्लियर करा दूं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये हमारे मॉड्यूल से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या था, फॉर इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 12A इम्पोर्ट फॉर द पर्सनल यूज आपको देखने को मिला होगा, एक ऑप्शन 12AA भी था लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, 12A। थैंक यू नैना, थैंक यू, डेफिनेटली, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन मैं आपके सामने जरूर होगा और शायद उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होगी कि हाँ हमने जो मेहनत किया, हमने जिस चीज के लिए प्रिपेयर किया वो रिजल्ट आज हमारे हाथ में है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, एक गेस हम चल रहे हैं, गलतियां होंगी, मैं पहले से आप लोगों से सबसे माफी मांगता हूं, प्लीज उस चीज को पर्सनली मत लीजिएगा क्योंकि हमारा टारगेट है आपको चीजों को जानकारियां सही देना, गलतियां ना करना, कोशिश इतनी ही होती है। हाँ 12AA भी रहा होगा लेकिन राइट ऑप्शन आपका 12A ही है क्योंकि 12AA फॉर द हमारे टेस्टिंग एनालिसिस के लिए होता है, किसके लिए होता है, टेस्टिंग एनालिसिस के लिए होता है। ओके चिटोसिन, चिटोसिन किस चीज के लिए यूज होता है, चिटोसिन में क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ऐसा ऑप्शन था, ये हमारा हाइपोलिपिडिमिया भी है, बिल्कुल एंटी माइक्रोबियल एंटी डायबिटिक है, तो ऑल ऑफ द अबव के बेसिस पे ये हम चले हैं। जी हाँ, ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। परिणाम कब आएगा विकी, जरूर आए, जल्दी आएगा, होप सो, हम उम्मीद करके चल रहे हैं 10 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ, चिटोसिन में ये चारों प्रॉपर्टीज होती है, ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन आपने किया होगा, डेफिनेटली आपका सही होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लिमिट फॉर द हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स के लिए लिमिट टेस्ट इन हर्बल प्लांट्स अकॉर्डिंग टू यूएसपी, मतलब हर्बल प्लांट्स में हम जो लिमिट टेस्ट करते हैं कौन कौन से मेटल्स के लिए करते हैं, सिंपल आपसे ये क्वेश्चन है। ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर कब रिलीज होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियली आंसर की भी आ जाएगी। चलिए लेड एंड आर्सेनिक, मर्करी एंड आयरन, क्रोमियम एंड आयरन, यहाँ पे आपको राइट ऑप्शंस लेड एंड आर्सेनिक, ये दो चीजों का आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा जहां पे हम लिमिट टेस्ट करते हैं, लेड और आर्सेनिक की लिमिट टेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, इन प्रिस्क्रिप्शन टेक दो, काफी बच्चे इस इजिएस्ट क्वेश्चन, जी हाँ पूरे जीपैट का ये इजिएस्ट क्वेश्चन इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी होती है। प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स, आरएक्स की बात करते हैं, आरएक्स का मतलब ही क्या होता है, टेक दो, या जुपिटर, गॉड ऑफ जुपिटर, गॉड ऑफ हीलिंग, जुपिटर के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या था, सिंपल और सिंपल आपका ये सुपर इंस्क्रिप्शन में आता है, किसमें आता है, सुपर इंस्क्रिप्शन में आता है, जरूर आपने ये पॉइंट समझे होंगे। अकॉर्डिंग टू ओके क्वेश्चन अलग था सर, ठीक है चलो क्वेश्चन अलग था कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपसे टेक दो ही पूछा था ना, और टेक दो पूछा था तो क्या हो गया, उसका ऑप्शन क्या होगा, सुपर इंस्क्रिप्शन ही तो होगा, बाकी क्वेश्चन ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, लेकिन टेक दो का मतलब तो आपको सुपर इंस्क्रिप्शन ही रखना था ना, तो उसमें आपको पॉइंट रखने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए आपको नेक्स्ट आ जाओ, आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है, All of the following are colligative properties except, हमारी दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो नंबर पे नहीं डिपेंड करती है वो हमारी नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। ऑस्मोटिक, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में है। एक्सेप्ट पे चले थे, कौन सी कॉलिगेटिव नहीं है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये हमारे क्या होते हैं, ये नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। मैं जल्दी से अगर आपको चार्ट के बेसिस पे क्लियर करूं,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द डिसॉल्व्ड स्पीसीज, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड ऑस्मोटिक आपकी कॉलिगेटिव, और नॉन कॉलिगेटिव में सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड सॉल्युबिलिटी। तो आपको ये पॉइंट मिला होगा, सरफेस टेंशन जगह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, ओके डिप्रेशन। हाँ देखिए, अगर इनका हम बात करेंगे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग, यानी जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलेंगे, या ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे, आपको ये चीजें लेके चलनी है, वेपर प्रेशर लोअरिंग आपको मिला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, जीन इंसर्शन टेक्निक। जीन इंसर्शन टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं थी? इसमें 5 प्रॉपर्टीज दिया था और ऑप्शंस चूज करना था। कोई बात नहीं, तो मैंने आपको ये क्लियर किया ना कि अगर वेपर प्रेशर राइजिंग था सर आंसर, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तब भी आपने ऑप्शंस निकाल दिया हो गया, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपकी आपके क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपके क्या होते हैं, दिस इज द राइट पॉइंट। ओके, जीन इंसर्शन टेक्निक आपको कौन सा इसमें से नहीं था, हम बात करते हैं आयोन्टोफोरेसिस। आयोन्टोफोरेसिस हमारा यहाँ पे, जी हाँ, आयोन्टोफोरेसिस बहुत बढ़िया अक्षय, आयोन्टोफोरेसिस हमारा जीन इंसर्शन टेक्निक नहीं था। यू हैव गॉट द राइट ऑप्शंस, बिल्कुल ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, ये ठीक है, जो भी था आपका यहाँ पे। देखो अगर हम बात करते हैं जीन इंसर्शन टेक्निक, वहां पे हमारा कंडक्शन आता है, इंजेक्शन आता है, ट्रांसडक्शन आता है, लेकिन वहां पे आपका आयोन्टोफोरेसिस नहीं आता है। ओके चलिए, कल्चर भी था, ठीक है। हाइड्रोजन आयन डिफिशियंसी, आपके पास एक मॉलिक्यूल दिया गया C18H9N2BRO5, इसमें आपसे हाइड्रोजन, शॉटगन सीक्वेंसिंग इन ऑप्शंस में भी, ओके ठीक है, सेम चेंज था, इसमें चेंज था, कोई बात नहीं दीपक, मैं आपकी बात से सहमत हूं, हो सकता है, नहीं अभी हम एक एक्सपेक्टेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूँ, बट आप इनको जरूर निकालेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ये हमारा कंपाउंड था तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शंस क्या होता है, 10 होगा हाइड्रोजन आयन डिफिशियंसी, आपको कितना होगा यहाँ पे, 10 यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल वे में। कैसे, आपने इसके सिंपल क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा, हमने इसके बारे में बात किया था, हाइड्रोजन डिफिशियंसी। हाइड्रोजन डिफिशियंसी यानी अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये फॉर्मूला होता है ½2+2a-b+c-d, ये e हमारा ये क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कार्बन का मल्टीप्लाई बाई 2, हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा एंड नाइट्रोजन हमारा प्लस होगा, और हमारा जितने भी हैलोजन होंगे वो माइनस होंगे। इस बेसिस पे अगर आप निकालेंगे आपका राइट ऑप्शंस 13 ऑप्शंस था, नहीं यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या होगा, ओके आपसे यहाँ पे मैच, आपसे यहाँ पे मैचिंग के बारे में पूछा गया था, इनमें से आपको मैच करना था, और किसको मैच करना था, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट। एक मैं मैचिंग के ले लू, 2-4 मैचिंग ले लेता हूं, आपका उनसे जरूर निकल आएगा। ओके जैसे ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट की बात करें, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए होता है, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट, ओके ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट हमारा होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं, लाइक सेना की बात करें, रुबाब की बात करें, हमारे ये जो होते हैं इनमें आपके होते हैं, तो ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट आपका यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या होगा, सेना, तो 1 for 2 आपको देखने को मिला होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है विटाली मोरिन टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट आपने देखा होगा, तो अगर आपने यही से आंसर आपका निकल जाता है, आपको ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है, तो राइट ऑप्शंस यहाँ पे आपको ए देखने को मिला होगा मोस्ट, ओके चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपने निकाला होगा, ब्रॉन टाइगर टेस्ट आपका सेना के लिए होता है, विटाली मोरिन टेस्ट आपका एट्रोपिन, जितने भी आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड होते हैं, थैलोक्विन टेस्ट आपका किसके लिए देखने को मिलता है, क्विनिन मॉलिक्यूल के लिए, और किलर किलन किलानी टेस्ट, मेनली आपको यहाँ क्वेश्चन क्या था, किलर किलानी टेस्ट किसके लिए होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डिजिटॉक्सो सुगर के लिए होता है, किलर किलानी टेस्ट डिजिटॉक्सो सुगर के लिए होता है, तो वहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, सर इसमें सिर्फ डी का आंसर लीजिए, फाइनल आंसर मिल जा रहा है, बिल्कुल, तो किलर किलानी टेस्ट हमारा डिजिटॉक्सोस के लिए था, आपने मैच किया होगा, डेफिनेटली आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट आपका, ओके यहां पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था डेसमिथाइल डाइजीपाम, डेसमिथाइल डाइजीपाम विटाली मोरिन से नहीं निकला था आंसर, सब में सेम था, ओ चलिए
कोई बात नहीं, आपसे यहाँ पे पॉइंट था कि बेटा डेसमिथाइल डाइजीपाम ये एक्टिव मेटाबोलाइट किसका नहीं है। मैं सिंपली बात करूं, डेसमिथाइल डाइजीपाम को ही नॉर डाइजीपाम बोला जाता है। ये हमारा प्राजीपाम का भी है, डाइजीपाम का भी है, क्लोर डाइजीपॉक्साइड का है, लेकिन फ्लोराजीपाम क्लोनाजीपाम का नहीं होता है एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके सर, मोस्ट क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ही थे, थैंक यू दीपक, थैंक यू। जरूर देखो, हमारा टारगेट यही है कि आप तैयारी करोगे, पूरे सिलेबस की कॉन्सेप्ट्स तैयार करोगे, डेफिनेटली आपको राइट ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। ये आपका नॉर डाइजीपाम किसके किसके एक्टिव मेटाबोलाइट में आता है, डाइजीपाम, क्लोर डाइजीपॉक्साइड, क्लोर जिपेट, प्राजीपाम, पिनाजीपाम एंड मिडाजीपाम में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए थोड़ा सा फास्ट अप कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट इन साइक्लोथायाजाइड। साइक्लोथायाजाइड में आपका सर क्या कॉन्फिडेंट लेवल गिरा ले? बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल क्यों गिराएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज हाई होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी अभी डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है। ये एक मैं एक्सपेक्टेशन एंड प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, आपने अपना बेस्ट दिया है, डेफिनेटली सारी चीजें अच्छी होंगी। यहाँ पे आपका 5 नॉर्बोनेन एंड 2 आइल आपका मॉलिक्यूल ये होता है, ये आपका क्या होता है, साइक्लोथायाजाइड में होता है। साइक्लोथायाजाइड यानी बेंजथायाजाइड मॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा, ये बेंजथायाजाइड के लिए जहां पे ये कंपाउंड आपका प्रेजेंट होता है, यहां पे ये हमारा फॉलोइंग सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट आपसे था मैच द शेड्यूल्स। यहाँ पे शेड्यूल्स का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया शेड्यूल से आपसे, यहाँ पे आपको मैच करना था। देखो कैसे मैच करना था, सिंपली अगर हम एफएफ की बात करें, एफएफ मतलब दो फोकस ऑप्थाल्मिक, आप यहाँ पे ए फॉर थ्री निकालिए, ए फॉर थ्री आपको दो देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एम की बात करें, एम हमारा किस चीज के लिए होता है, जीएमपी के लिए होता है, तो बी फॉर फोर निकालिए, बी फॉर फोर आपका ये सही हो गया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बी देखने को मिला होगा, आपने ये मैचिंग बिल्कुल की होगी। और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि मेरा जो ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बच्चों ने जिसने भी उसको देखा होगा तो जरूर वो इसमें शेड्यूल्स में गलतियां नहीं किए होंगे। ओके चलिए, सर मेरा 35 में 19 करेक्ट थे और 51 बाकी, क्या क्वालिफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी सारी उम्मीद बचा के रखिए, कोई भी अभी डरने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे क्या था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात करते हैं तो C16, मैंने आपसे एक चीज बोला था कि अगर हमारी जितने भी हमारे होंगे तो होगा क्या, हर बार में दो मॉलिक्यूल निकलेगी, तो टोटल यहाँ पे 7 टाइम साइकिल चलेगी और 8 एसिटाइल कोए बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 एसिटाइल कोए बनेंगे और 7 टाइम साइकिल रन करेगी। ये पॉइंट आपने यहाँ नोट किया होगा, तो क्या मिला, 6, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, कितना एसिटाइल कोए पूछा गया था, तो कितने होंगे, 8 देखे होंगे, जरूर आपने यहाँ पे निकाला होगा, 8 एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल यहाँ पे आपके निकले होंगे। तो राइट ऑप्शन आपने अगर 8 किया है और ये क्वेश्चन पाल्मिटिक एसिड से रिलेटेड था तो जरूर आपको यहाँ पे हेल्प हुआ होगा। सर आपके बताए काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू दीक्षा, थैंक यू शैकला, थैंक यू। ओके क्वेश्चन नंबर 46, मेथड यूज टू आइडेंटिफाई पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज ये मैं आपसे कह रहा था, रिपीटेड क्वेश्चंस देखना है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, हाइड्रोजन डिफिशियंसी आपने न्यूमेरिकल आंसर नहीं न्यूमेरिकल कुछ नहीं हो पाए थे, बट इतना हो गया था कि आपको अगर एक दो चीजें छूटी भी तो कंप्लेन ना करिए, क्योंकि चीजें आपको बहुत कोशिश किया है मैंने देने के लिए पूरे टाइम प्रिपरेशन से। अगर आपसे यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस की बात करें, जी हाँ, अगर आप बात करते हैं कि हमारा पार्टिकल साइज, हम बात करते हैं पार्टिकल साइज के थ्रू हम अगर डिटरमिनेशन करें सेडिमेंटेशन, तो एक ही ऑप्शन आपने दिया होगा। ऑप्शंस क्या याद करिए, क्या आपने ये ऑप्शंस दिया था, अगर आपने ये ऑप्शंस दिया था, मेरा आप बता रहे थे तो उससे तो क्लियर है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एंडरसन पिपेट, सभी ने आंसर दिया होगा, कोई गलती नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी था, चलिए मान लीजिए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, लेकिन आपको पॉइंट तो दिया जा रहा है ना, वो चीजों समझने की कोशिश करिए। थैंक यू कीर्ति, थैंक यू, पॉइंट आपको हेल्पफुल हुआ, मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज है कि हमने जिस चीज की तैयारी की हमने वो करके दिखाया और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। आपके डिफरेंट यहाँ पे पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन था, जहां पे आपसे ग्रेविटी के थ्रू, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन के थ्रू आपका एंडरसन पिपेट आता है। ओके नाउ, नॉट साइड इफेक्ट ऑफ थायाजाइड, ये क्वेश्चन था, आपने कितनी बार हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कौन सा इसमें ऐसा है जो थायाजाइड का साइड इफेक्ट नहीं है। हमने बात किया था कि हमारी थायाजाइड हमेशा क्या करेगी,
हाइपोकैलेमिया करेगी। बेटा अगर इसको भी गलत करके आए तो मेरी पूरी पढ़ाई की मेहनत बेकार कर दिया आपने, ये आपने जरूर सही कर दिया होगा, यही दिया था। चलिए तो ये जरूर किया होगा कि हमारी थायराइड हाइपोकैलेमिया करती है, हाइपरकैलेमिया नहीं करती है। कितनी बार आपसे इसके बारे में डिस्कस किए थे। बिल्कुल, तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, राइट ऑप्शंस था। बिल्कुल, तो ये हमारा राइट ऑप्शंस आपको देखने को मिला होगा, हाइपरकैलेमिया ये नहीं होता है यहाँ पे, हाइपोकैलेमिया कॉज करती है थायराइड। ओके, नाउ दिस इज द राइट ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू कितनी होती है। ये डायरेक्ट एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया था। शिव प्रसाद, यस सर, हाइपो करेंगे, नॉट हाइपर। चलिए, थैंक यू सर, भी दिया था सर, हाइपरलिपिडेमिया भी दिया था, कोई बात नहीं। लेकिन हमने जो चीज तैयार किया था वो तो हमारे लिए रेडी था ना, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया तो हमने क्लियर किया था, बाकी चीजें छोड़ दीजिए, यूरिसीमिया था, हाइपर यूरिसीमिया था, वो बात की बात आएंगी हमारी। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी 1.987, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है 1.987, ये हमारा राइट ऑप्शन था, ये दैट इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, ओके, क्वेश्चन नंबर 49, पी ग्लाइकोप्रोटीन किसमें प्रेजेंट होती है, पी ग्लाइकोप्रोटीन हमारी किसमें प्रेजेंट होती है। इतना इजिएस्ट क्वेश्चन था, इपिथीलियल हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, इपिथीलियल ऑफ द इलियम होती है, जो इपिथीलियल मेम्ब्रेन इलियम की होती है उसमें हमारी पी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। बिल्कुल कीर्ति, आंख बंद करके किया है, बिल्कुल, तो गलत नहीं हुआ होगा। ओके, तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा सर, इसमें कंफ्यूज हुए सर 1.89 या 1.98, नहीं रश्मि 1.98, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है 1.98 होती है बेटा, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिए। चलिए, अगर छोड़ दिया होगा तो ठीक है, गलत नहीं किया वो सबसे अच्छी बात है। यू वॉज आउटस्टैंडिंग, थैंक यू सुखपाल, थैंक यू, आपकी इसी प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं खड़ा हूं यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों के ही वजह से शायद मैं अपनी मेहनत को और डबल करके आपके पास प्रेजेंट होता हूं कि हाँ हम और अच्छे से आपको सारी चीजें दे सके। चलिए नेक्स्ट 50, हेपा फिल्टर, मुझे बताने की जरूरत है क्या, ये पिक्चर देखिए, उत्सव सर ने इसको क्लास में ही कराया था, लास्ट मोमेंट पे ये क्वेश्चंस कराया गया था, क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट क्वेश्चंस आया था, हीपा फिल्टर की इफिशियंसी, और यहाँ पे आपसे हीपा फिल्टर की इफिशियंसी पूछी गई थी। बताइएगा अगर बेटा ये पॉइंट समझ में आ रहा हो मेरी बात, तो लाइक का बटन जरूर दबना चाहिए, क्योंकि ये मेहनत हमारी तभी सफल होगी जब आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा लगता है। ओके, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको जरूर मिला होगा, 99.7% एंड 0.3 माइक्रॉन यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने किया होगा। बिल्कुल भुवेश, बहुत बढ़िया, ये हीपा फिल्टर इफिशियंसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या था, मैचिंग का क्वेश्चन किया गया था यहाँ पे, अगेन हमारा मैचिंग क्वेश्चन था, और आपसे मैच करना था क्लास विद द एग्जांपल, क्लास और उसके ड्रग से एग्जांपल। शुभम कनौजिया बेटा, आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके मैंने आपके ऑप्शंस पहले ही दे दिए हैं, ठीक है, जरूर उनको एक बार क्लियर करके चलिएगा, प्लीज एक ही क्वेश्चन मत करिए। नहीं था, ओके ठीक है, 99.99 था, ओके चलिए अब तो आंसर, फिर ये क्वेश्चन आएगा तो जरूर इसको हम क्लियर करेंगे। उसका आंसर जब मैं बाहर आया तो सर मुझे बहुत डर लग रहा था, वीगा बैटरिन वाले क्वेश्चन का आंसर आते भी नहीं किया, नॉलेज विद द यमन, हाउ इट इज पॉसिबल कि इतना बेसिक आपने गलत कर दिया। वीगा बैटरिन, गाबा ट्रांसमिनेज इनहिबिटर, जरूर बताइएगा कितनी बार हमने इसके बारे में पॉइंट लिया था। सर जल्दी लो प्लीज, चलो माधुरी आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे आई थिंक आपसे डायरेक्ट ही पूछा गया था, मोनोटर्पीन कैम्फर, डाइटर्पीन टैक्सोल, सेस्क्विटर्पीन जिंजिबेरी एंड टेट्राटर्पीन में लाइकोपीन, ये आपने डायरेक्ट चीजों का था, यहाँ पे आपसे राइट ऑप्शन था, दैट इज द ए, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिला होगा, मैच आपने किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, विच वन इज करेक्ट, यहाँ पे आपसे पूछा गया था, आपका जो भी ऑप्शंस रहा होगा लेकिन मैच करिएगा, मैं आपको ऑप्शंस पे लेके चलूंगा। हेपा फिल्टर क्वेश्चन ऑप्शन इज नॉट गिवन, ठीक है बेटा उनको जरूर हम क्लियर करेंगे, क्वेश्चन आंसर चुके हैं, हो चुका है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आंसर हो चुका है।
ये आपके एचएमपी सेंट में कभी भी एचएमपी सेंट में एटीपी का जनरेशन नहीं होता है, एचएमपी सेंट में एटीपी का जनरेशन नहीं होता है। आपने इस पॉइंट को जरूर मैच किया होगा, ये राइट ऑप्शन था, एचएमपी सेंट में एटीपी का जनरेशन नहीं होता है। ये आपसे वहां पे विच वन इज करेक्ट पूछा गया था, आपने यहां पे निकाल के जरूर आंसर किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन, ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन कौन सा यहां पे होता है? जी हाँ, ओटीपी नॉट जनरेटेड, बिल्कुल। यहाँ पे डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन आपका ओरली एक्टिव टेस्टोस्टेरोन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या था? डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये आपका ओरली एक्टिव यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिला होगा। क्लिनिकल ट्रायल वाला आंसर बताएं, इंडिपेंडेंट बॉय, अभी क्लिनिकल ट्रायल वाला शायद क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा गया है, बट नेक्स्ट पार्ट में हम उसको रखेंगे और वो जरूर क्लियर करेंगे। नाउ How many possible isomer are there in 3-bromo-2-butanol? 3-bromo-2-butanol में कितने आपके पॉसिबल आइसोमर हो सकते हैं? आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे 6 देखने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर आपका है 3-bromo-2-butanol के बारे में बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेंगे। मैंने भी ये दिया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या था? एनआईटी वालों ने धोखा दिया। नहीं जसपाल, ऐसा कैसे धोखा नहीं दिया? Which act as estrogen is type of question, कुछ था सर। ठीक है दानिश, हो सकता है, चलिए अगर ऐसा था तो जरूर उसको हम dihydrotestosterone, right है स्वप्निल, thank you, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या था? 6 यहाँ पे सिंपल आपसे पूछा गया था, 6 isomer इसमें बनेंगे। Now question number 55, which of the following gives relation between vapor pressure and absolute temperature? Vapor pressure और absolute temperature के लिए हमारा यहाँ पे कौन सा रिलेशन यहाँ पे आपके लिए है? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, बार्कले हार्डली मेथड, अब जो भी ऑप्शंस रहे होंगे, नहीं मिले हैं, हमने यहाँ पे रखा है, बट आप बातों को समझिएगा। अगर हम वेपर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिलेशन की बात करेंगे, हमारा यहाँ पे वन एंड ओनली वन आएगा, दैट इज द क्लासियस क्लैपेरॉन मेथड। क्लासियस क्लैपेरॉन मेथड यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिला होगा। आंसर क्या? फेज 3 या 2। अगर क्वेश्चन आपको जरूर याद होगा बेटा, इंडिपेंडेंट बॉय, वो क्वेश्चन जरूर रखिएगा, क्लिनिकल ट्रायल वाला, हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जरूर उसको लेके आएंगे। ओके नेक्स्ट, ये आपके क्लासियस क्लैपेरॉन मेथड, जहां पे वेपर प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच का रिलेशन मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इजिएस्ट क्वेश्चन बेटा फार्माकोलॉजी से, ये बहुत ओके सर सही है, ओके थैंक यू। TCA, tricyclic antidepressant, demolishes the antihypertensive effect of the following drug. हमने बात किया था कि जितने भी हमारे TCA होंगी वो क्या करेंगी? Reuptake को inhibit करेंगी, और अगर reuptake को inhibit करेंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो agonistic drug होंगे उनके actions को block करेंगे। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा क्लोनिडिन हमारी क्या होती है? अल्फा टू एगोनिस्ट होती है। जहां पे इसमें हमारा क्या होता है, ये टीसीएज होती है, इसको क्या करती है? डिमोलिसिस करती है। ऑप्शंस कुछ भी रहा होगा, राइट ऑप्शंस आपने निकाला होगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल क्लोनिडिन ही है, बिल्कुल अरिहंत क्लोनिडिन ही है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि क्लोनिडिन नहीं है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कोलोजी से बहुत कम क्वेश्चंस थे, उसकी ही तैयारी थी। कैसे कह रहे हो जसपाल की कोलोजी से क्वेश्चन नहीं थे? बेटा अभी तक 23 क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ फार्माकोलॉजी से, तो कैसे आपने कह दिया कि फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं थे? दिस इज नॉट राइट, आप मेरी मेहनत पे पानी फेर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मेहनत नहीं किया है। ओके चलिए, अभी तक के क्वेश्चन में एक गलत है सरीम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, स्प्लिट ऑफ कार्डियक साइकिल राज, थैंक यू राज। हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी तरफ से बेस्ट दें, और जरूर आपका यहाँ पे सारी जरूरी मेहनत आपने किया और डेफिनेटली वो अच्छी होगी, थैंक यू। कार्डियक साइकिल में हमारा क्या होता है? कार्डियक साइकिल में बात करें, हमारा जो सबसे पहले आता है वेंट्रिकल सिस्टोल, देन आर्टेरियल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल हमारी कितनी देर के लिए होती है? 0.3। मैं आपको डायरेक्ट इसको साइकिल से क्लियर करूंगा, ये साइकिल आपने पढ़ी, आपने यहाँ पे पॉइंट आउट किया होगा, आपकी जो वेंट्रिकल सिस्टोल होती है, टोटल हमारी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है,
जो हमारी वेंट्रिकल सिस्टोल होती है वो हमारी 0.3 सेकंड की होती है, आर्ट्रियल सिस्टोल हमारी 0.1 सेकंड की होती है, वेंट्रिकल डिस्टोल हमारी फर्दर हमारी 0.5 सेकंड की होती है और आर्ट्रियल डायस्टोल हमारी 0.7 सेकंड की होती है। तो आपने ये पॉइंट किया होगा इस ट्रिक के थ्रू, जरूर आपको यहाँ पे राइट ऑप्शंस निकल के आया होगा। बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शंस कार्डियक साइकिल के बेसिस पे आपने निकाला होगा, डेफिनेटली आपका यहाँ पे राइट ऑप्शंस निकला होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 आपके यहाँ बात करूं, विच प्लेक्सेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स कैपिलरीज एंड वेन्स, किस में हमारे किस ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स कैपिलरी और वेन, कौन से प्लेक्सेस में कैपिलरी और ब्रेन हमारे यहाँ पे कैपिलरी और वेन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका कोरोइड प्लेक्सेस आपने किया, लक्ष्मण, ओके सर मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, वेरी गुड, कॉमेडी एंड डांस बहुत बढ़िया आपके आएगा ही सर, क्वालिफाई होने की फीलिंग आ रही है। जुनैद बिल्कुल जरूर, अगर हमने तैयार किया है तो जरूर होगा, उसे मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। थैंक यू सुभदीप, थैंक यू। कोरोइड प्लेक्सस जरूर आपने निकाला होगा सर, 0.1 सेकंड का एक ही ऑप्शन था और वही करेक्ट था, बिल्कुल सुमन। चलिए तो यहाँ पे आपका कोरोइड प्लेक्सस देखने को मिला होगा, आपने सही ऑप्शन निकाला होगा विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ये हमने कोरोइड प्लेक्सस की बात किया, डिफरेंट हमारे कौन कौन से प्लेक्सस होते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में, उसमें हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है। थैंक यू श्रीराम सर, वहां पर सीरीज चेंज कर दिए थे शायद, सब क्वेश्चंस के इकोलॉजी में फार्मास्यूटिक्स आगे पीछे थे। हाँ मैं आपकी इस बात से रीमा पॉइंट क्लियर करता हूं, ऐसा किया गया था, क्वेश्चंस को मिक्सअप किया गया था, जरूरी नहीं कि आपके एक ही सीरीज में अगर थे तो सारे क्वेश्चंस वहीं पे थे। ओके दे डिडंट गिवन क्वेश्चन एज पर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं थे, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ, बिल्कुल ये हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, सिग्नल इन 2,2-dimethylpropane, 2,2-dimethylpropane, इसी को हम नियोपेंटेन भी बोल सकते हैं, 2,2-dimethylpropane में कितने हमारे निकले सिंगलेट निकले, कैसे सिंगलेट निकले, अगर मैं सिंपली बात करूं CH3 next CH3 next CH3 और यहां पे भी CH3 आपने निकाला होगा, तो सब में जो हाइड्रोजन की लोकेशन है वो तो सेम ही है, कोई यहाँ पे डिफरेंस है ही नहीं है, आपने यहाँ पे सिंगलेट निकाला होगा, डेफिनेटली आपका राइट ऑप्शन सिंगलेट निकल के आया होगा, ये आपका राइट ऑप्शन सिंगलेट ही यहां पे मिला होगा। हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन दिस पार्ट मिदुन, चलिए आपकी बात पे मैं कर देता हूं लास्ट क्वेश्चन, इसको हम क्लियर करके चलते हैं। यहां पे आपसे था एनएमआर सिग्नल, हाँ अभिषेक एनएमआर सिग्नल सिंगलेट ही आएगा ना, एनएमआर सिग्नल ही था। ओके चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 क्या था, नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर बट स्टिल यूज्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन द अस्थमा, यहाँ पे हमारा पॉइंट था विशाल, चलिए जय राम जी की सर, ये हमारा पॉइंट था अस्थमा में कौन सी ऐसी ड्रग है जो ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था बट यूज्ड होती है अस्थमा में, ऐसा ही कुछ था, ये हमारा पॉइंट, ये क्लियर होता है कि नहीं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, अगर हम सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की बात करें ये हमारी क्या होती है, कितनी बार हमने इसके लिए क्लियर किया था, मास्ट सेल स्टेबलाइजर हमने बात किया था, मास्ट सेल स्टेबलाइजर यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है, ये हमारा राइट ऑप्शंस था। सर टुडे ओनली आई वॉच लाइव क्लास सो प्लीज गिव आइडिया अबाउट नोट्स, अभी नवीन नेक्स्ट क्लास की बच्चों के लिए अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, अभी मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनके लिए हमने इतना टाइम मेहनत किया है और लगातार 2 महीने से हमने जी तोड़ मेहनत की है, आपने की है, हमने साथ में की है और वो रिजल्ट हम लेके आने वाले हैं, डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है और GDC जरूर इस बार अगेन एक नया मुकाम हासिल करेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, आप लोगों की प्रिपरेशन पे, आप लोगों की मेहनत पे डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। और मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ये जो हम चेक देने वाले हैं 1,00,000 रुपीज का हम जो चेक देने वाले हैं, कहीं ना कहीं मुझे सुबुगाहट आ रही है कि हमारे इसी क्लास में वो बच्चा बैठा हुआ है। सो सभी को जो भी होगा, सभी को अभी से बेटा होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, जरूर बेस्ट होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। सर प्लीज बताइए, चलिए आपके क्वेश्चंस में ले लेता हूं। ओके थैंक यू इस्तिकार, थैंक यू सर, 10 और करा दो भुवनेश, अभी क्वेश्चंस को और थोड़े से बनाने हैं, उसके बाद ही हम उस पर लेके आएंगे, क्योंकि बेटा अभी सारी चीजें हमको नहीं मिल पाई है। अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको याद आ रहे हैं प्लीज आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें इस वीडियो के लिंक पे, जरूर करिएगा, हम उनको जरूर लेके आने की कोशिश करेंगे।
ट्रिपलेट कर दिया, नहीं नहीं दैट ट्रिपलेट नहीं होगा, 59 उसमें वन ही होगा, सिंगलेट ही होगा। ओके चलिए अब मैं आपसे पॉइंट कर लेता हूं, प्रिडिक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, देखिए एक प्रिडिक्शन की ही बात कर रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट की ही बात कर रहे हैं, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेट मी क्लियर। आप उम्मीद करके चलिए एटलीस्ट 160 प्लस माइनस 5 जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, प्लस माइनस 5 वहां पे हो सकती है। जस्ट वन कंडीशन अमित, दैट शुड बी द जीडीसी स्टूडेंट, नॉट एट ऑल, सिर्फ वो जीडीसी का स्टूडेंट होना चाहिए, किसी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे हो लेकिन जीडीसी स्टूडेंट हो जरूर वो हमसे, हमारा वो बेस्ट विशेष उनके साथ में जुड़ी होंगी। टर्ब्यूटालिन, मोंटिल्यूकोस, सॉल्ब्यूटामोल इज द अदर ऑप्शंस, ठीक है। चलिए अगर आपके ऑप्शंस पे चलता हूं शिव प्रसाद, तो भी हमारा राइट ऑप्शंस पे तो यही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें ईडब्ल्यूएस 130 अप होगा, ज्यादा ही होगा, मैं अराउंड अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 140 अराउंड 135-140 कैटेगरी मार्क्स के आसपास होने वाला है। नंबर ऑफ फेशियल बोन 14, जी हाँ बिल्कुल सर, मैं जीडीसी की लिंक में जूनियर्स को शेयर करूंगी, यू आर द ग्रेट, थैंक यू तृप्ति, थैंक यू, जरूर अगर हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैं हमेशा अपने बच्चों से एक ही चीज बोलता हूँ, इफ यू आर डूइंग द प्रिपरेशन, आप अपना टाइम भी एंजॉयमेंट नहीं कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और प्रॉपर प्रिपरेशन भी नहीं कर रहे हो, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, या तो पूरी तरह एंजॉय कर लो या पूरी तरह प्रिपरेशन कर लो, ये बीच में मत रहिए। ओके सो अभी भी हमारे पास टाइम है, होप फॉर द बेस्ट, आप जीडीसी के साथ जुड़े रहिए, आफ्टर जीपैट एग्जाम We will initiate NIPER program. जी हाँ, NIPER program, NIPER की भी हम तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझे आप में से बहुत सारे बच्चे NIPER मोहाली के दिख रहे हैं, तो जरूर आप NIPER मोहाली पहुंचेंगे और उस तरीके उसी को लेके हम यहाँ पे चलेंगे। ओके ओबीसी कट ऑफ कितना जाएगा, अराउंड वही आप लेके चलिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आसपास ही ओबीसी कट ऑफ होने वाला है। टोटल नंबर अमीनो एसिड इन इंसुलिन 51, आयशा 51, बिल्कुल थर्ड ईयर में क्वालिफाई किए, तो रश्मि जस्ट आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको आइडियाज मिलेंगे, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। क्लिनिकल ट्रायल वाला क्वेश्चंस मैं कल करूंगा बेटा, सर आज के क्वेश्चंस का पीडीएफ दीजिए प्लीज। नीलकांता पूरा हो जाए, एक बार पूरे वीडियो क्वेश्चंस हो जाए उसके बाद में दोनों को कंपाइल करके दे दूंगा। न्यू सेशन आशीष कुमार, न्यू सेशन किसके बारे में बात कर रहे हो अभी आप, जीडीसी प्राइम और जीडीसी बेसिक डिफरेंस, जीडीसी प्राइम और बेसिक में मेजर एक डिफरेंस है कि बेसिक में आप वीडियोस को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, केवल ऑनलाइन देख सकते हो, मींस उसके लिए आपको ऑलवेज नेट चाहिए, लेकिन आप जीडीसी प्राइम की बात करोगे तो वहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शंस मिलेगा, कि अगर सपोज आप कहीं कॉलेज में हो, कहीं वाईफाई जोन में हो, वहां पे आपने वीडियो को डाउनलोड कर लिया और आप घर पे गए, आपके ऐप पे है, आप उसको बाद में देख सकते हो। सबसे मेजर डिफरेंस प्राइम और बेसिक में यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए रानाजीत, आई विश ऑल द बेस्ट कि ऐसा ही हो, अगर आप जीडीसी के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप इस लिस्ट में आए, मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। ओके एसटी और एससी कट ऑफ अराउंड हम मान के चल रहे हैं 110-115 के अराउंड आपको देखने को मिल सकती है। सर एक क्वेश्चन में दो सेम ऑप्शंस आए थे क्या, क्वेश्चन मेरे से मत पूछो, आप मुझे बताओ, अगर ऐसा था तो मैं वहां पे एक्सपेक्ट करूंगा कि कॉमन नंबर दिए जा सकते हैं, या दोनों में से किसी ने भी अगर किसी को सही किया है तो वो सही हो सकता है। सजद हसैन, पीएचडी में जीपैट का हेल्प बिल्कुल करेगी, क्योंकि अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो और नाइपर से आपका पीएचडी करना है, बीएचयू से पीएचडी करना है, सागर से पीएचडी करना है, आपको आईसीटी मुंबई से पीएचडी करना है, तो जीपैट वहां पे कंपलसरी है। ओके सर बिलासपुर का ऑफलाइन क्लास कहीं का भी, आप इलाहाबाद, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, 14 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जी हाँ 14 फरवरी से, सॉरी 14 मार्च, माफ कीजिएगा 14 मार्च से स्टार्ट होगा। ओके तो हाँ, अगर दो ऑप्शन सेम थे तो वहां पे आपको कॉमन आंसर मिल, कॉमन नंबर मिल सकते हैं। सर इस साल का एग्जाम कैसा था आप बताएं। मिलिंद, मेरे अकॉर्डिंग ये पेपर इस बार का इजी टू मॉडरेट था, लास्ट ईयर की तरह टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ये हम पॉइंट आउट करके चल रहे हैं। पीयूष आपको आंसर दे दिया। ओके सर एग्जाम दो शिफ्ट में हुआ क्या, नहीं, वन शिफ्ट में 3-6 PM, 3-6 PM में ही आपको देखने को मिला है। बीएचयू इज बेस्ट और नाइपर, दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, दोनों को आप कंपेयर मत करिए। सर पेपर इजी था और कट ऑफ इज, वाई कट ऑफ इज लो, रीजन है क्योंकि बच्चों ने उतना ज्यादा, जो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है, मैक्सिमम देखो 170 ऊपर कभी जाने का चांसेस तो नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा अलग हुआ तो अलग चीज है,
सर आगे भी लाइव आते रहिएगा, हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। बिल्कुल निदा, अभी तो हम नाइपर की तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो आप उसके लिए अभी तैयारी बना के रखिए, जीपैट के बाद नाइपर की तैयारी करेंगे। सर ऑफिशियल आंसर की कब आएगी? होप सो 4 से 5 तारीख के बीच की उम्मीद करते हैं। सर अगर 165 से 170 रेंज में मार्क्स आए तो जनरल कैटेगरी में 100% क्वालिफाई हो सकता है क्या? इट्स माई प्रिडिक्शन, कंफर्म नहीं बोलूंगा, प्रिडिक्शन है, हाँ क्वालिफाई हो सकता है और आपका अचीव हो सकता है, क्वालिफाई हो सकता है। सर डेली क्विज सेक्शन में से कुछ आए थे सर, थैंक यू दानिश, थैंक यू। ओके सर भोपाल में भी जीडीसी क्लास है क्या? जी हाँ सुनील, भोपाल में भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है, आप इसी चैनल के जीडीसी चैनल पे ही, जीपैड डिस्कशन सेंटर चैनल पे ही आप देखिएगा, जीडीसी क्लासेस भोपाल की क्लासेस का इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ऑफिशियल आंसर की आप 5 मार्च तक मान के चलिए और रिजल्ट आप 10 मार्च के आसपास प्रेडिक्ट करिए कि 10 मार्च के आसपास आपका आंसर आने वाला, रिजल्ट आने वाला है। ओके सर आगे ईयर ऑफ के लिए स्टडी प्लान कैसे बनाए? अभी अगले के लिए प्लान करेंगे, अभी ये प्रीवियस की है, अगले वाले के लिए प्लान हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे। जीपैट इज सरप्राइज टेस्ट, बिल्कुल सरप्राइज हुए तृप्ति, सभी लोग सरप्राइज हुए। सर 60 करेक्ट है, थैंक यू प्रणय। अगर 60 करेक्ट है आप अभी से मुझे लड्डू खिला दीजिए, डेफिनेटली अगर 60 करेक्ट है निगेटिव कम होने के साथ में तो डेफिनेटली आपका क्लियर है। लव थैंक यू, जस्ट आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आप लोगों के प्यार से यहाँ पे खड़ा हूं, वो सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। ओके सर योर ट्रिक्स हेल्प मी, थैंक यू पद्मावती, थैंक यू। अगर हेल्प मिली, हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी बेस्ट चीजें आपको दे सके और आपके लिए हेल्पफुल हो सके। भुवनेश्वर में है क्या ऑफलाइन क्लास? ऑलरेडी स्मार्ट अनिल, भुवनेश्वर की क्लासेस ऑलरेडी रनिंग है, आप हम gdc4gpad.com जीडीसी क्लासेस ऐप कहीं पे आप जाइए, कांटेक्ट में जाएंगे आपको वहां का एड्रेस मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप इस पे कमेंट करिएगा, आपको यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। अनुभव वाराणसी, जी हाँ वाराणसी में आपको मार्च से ओपन होने वाली है, मार्च में वाराणसी ओपन होने वाली है। कोलकाता पे जीडीसी नहीं डियर, कोलकाता में आपको जीडीसी ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको मिलेगा। ओके कंसिस्टेंट एफर्ट, बिल्कुल रश्मि थैंक यू आप लोगों का सबके सपोर्ट के लिए। सर 45 करेक्ट है 45 रॉन्ग है, थोड़ा सा डाउट है बट फिर भी वेट करेंगे हम रिजल्ट का। सर ऑफलाइन क्लास भोपाल वाली और ऑनलाइन क्लास वाली मटेरियल सेम रहेगा क्या? जी हाँ आपको स्टडी मटेरियल सेम मिलने वाला है दोनों में। लातूर अभी महाराष्ट्र में एंट्री नहीं किए हैं, अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो जल्दी ही महाराष्ट्र में एंट्री करेंगे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। चलिए ओके बिल्कुल, जैसे ही इंफॉर्मेशन होगा कल की क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट्स क्लियर करेंगे। सर मेरे से इकोलॉजी के 4-5 इजी क्वेश्चन मिस्ड हो गए, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल इतना मेहनत करने के बाद इंडिपेंडेंट आप कैसे ये गलतियां कर सकते हैं? सर मेरे 45 क्वेश्चन मिले इस क्लास में, उसमें 38 सही है और 7 गलत है। ओके कोई बात नहीं, अगर हमारे इसमें से 45 आपने किया और 38 सही आ रहे हैं देन यू आर ऑन राइट ग्रुप, आप सही पोजीशन पे हो बेटा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करिए बेस्ट होगा, जरूर हमारा सारी चीजें होंगी। व्हेन दे विल रिलीज की बेटा वो मैं आपको पॉइंट आउट कर दिया, अराउंड 5 मार्च के आसपास वेट करिए। जगताप लातूर में अभी नहीं है बट हाँ जल्दी ही ऑफलाइन अमरावती में, नहीं डियर। समीक्षा वाराणसी में कहाँ पे? वाराणसी के लिए बेटा आप जरूर इलाहाबाद वाली ब्रांच के नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वाराणसी में मार्च से ओपन हो रही है। चलिए जबलपुर में, नहीं डियर जबलपुर में नहीं है, हैदराबाद में अभी हम नहीं एंट्री कर रहे हैं। आई होप ये सेशन से आपको एक आइडिया मिला होगा, क्वेश्चन हमारे कैसे थे, क्या हमें गलतियां हमने कहाँ पे की। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ के बारे में बात करूं तो सर काश आप पहले भोपाल में ऑफलाइन क्लास आ जाते सर। रीमा कोई बात नहीं, देर आए अब क्या कर सकते हैं, बट होप सो आपके जूनियर्स का बेनिफिट होगा और वी वांट जीडीसी इन महाराष्ट्र। सात्विक जरूर होप सो, अगर ऐसा ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो जल्दी ही महाराष्ट्र में आपको ऑफलाइन क्लासेस देखने को मिलेंगे जीडीसी की। नहीं डियर महाराष्ट्र में अभी कहीं नहीं है, कहीं भी अभी महाराष्ट्र में नहीं है। आगरा में ब्रांच नहीं, आगरा से गाजियाबाद तो कवर किया जा सकता है बेटा, देखिए हर जगह ब्रांचेस नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि हर जगह हर सिटी में क्लासेस हो जाएं
तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आगरा से आप गाजियाबाद कवर कर सकते हैं अगर तैयारी करनी है। भुवनेश्वर में कहाँ है पंकज? भुवने ओके, बैंगलोर, बैंगलोर में नहीं है डियर, नियर हरिद्वार, ओनली गाजियाबाद। गाजियाबाद में आपको इस वीक से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के हैं या सेकेंड ईयर के हैं, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के, वो गाजियाबाद ब्रांच पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको जरूर। रीवा से बेटा इलाहाबाद बहुत दूर नहीं है पुनीत, तो इलाहाबाद में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इलाहाबाद में आपको ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, महाराष्ट्र, जी हाँ, महाराष्ट्र में न्यू ब्रांच हमारी लातूर में नहीं बट मुंबई, मुंबई में दिस ईयर हमारा यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, मुंबई ब्रांच हमारी स्टार्ट हो रही है। आप लोग मुंबई ब्रांच पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जरूर आप कांटेक्ट करिए। जो भी हमारे ऑफिस के नंबर दिए गए हैं जीडीसी क्लासेस ऐप पे, उन पे कांटेक्ट करिए, हर ब्रांच का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा उस पे। ओके, चलिए, 56 बनाया हूं, 10-12 निगेटिव के चांस है, बट गुड, अगर आपने 56 में 10 क्वेश्चन भी हटा देता हूं और अराउंड आप 45 क्वेश्चन जा रहे हो 10 क्वेश्चन के साथ निगेटिव में, पूरी उम्मीद है, होप रखिए जरूर क्वालिफाई होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी सर? रोहित, कल नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट, इसका हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सर आपका नंबर सेंड करना। बीकम, आपको gdcforzpad.com पे या जीडीसी क्लासेस ऐप पे आप जाओगे, जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप उस पे जरूर मेंशन करिए, कॉल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। 60/647, ओके, 60 में 47 सही आ रहे हैं, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद लगा के रखिए, जरूर क्वालिफाई होगा। सर ज्यादा ईवीएस को कैसे हो सकता है अभी ये क्लास? ओके सर, ऑनलाइन क्लास तो कंटिन्यू रहेंगी ना? सुप्रिया, जी हाँ, काफी हद तक हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, बिल्कुल, जो हम क्वेश्चन सीरीज करते हैं वो जरूर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सर आप किस ब्रांच में पढ़ाते हो? जीडीसी, जहां जीडीसी वहां मैं, अब आप समझ जाइए मैं कहाँ पढ़ाता हूँ। सर ऑल इंडिया वन मार्क्स कितना जाएगा, एनी आइडिया? सॉरी अक्षय, अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे कितना जाएगा, एक्यूरेसी पे गए हैं, अटेम्प्ट पे नहीं, बिल्कुल रश्मि, सबसे पॉइंट यही है, अगर आपने निगेटिव पॉइंट रिमूव किए हैं तो जरूर आपके बेनिफिट होगा, एक्यूरेसी ही हमें चाहिए थी, वही सबसे ज्यादा जरूरी था। भिलाई में ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है क्या? जी हाँ, 14 मार्च से भिलाई की ब्रांच भी स्टार्ट हो रही है, जल्दी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा। आगरा में ब्रांच नहीं सुनील, आपको गाजियाबाद में मिलेगी, वहां से नियरली। बिलासपुर में भी आपको 15 मार्च से देखने को मिलेगी। सर हम आरपीजीएम के जूनियर्स को लिंक शेयर करेंगे ताकि वो भी आपसे पढ़ सके, बिल्कुल रीमा, थैंक यू। सर आपकी ब्रांच, ओके, चलिए नाउ, सर मैंने आंसर दिया बेटा, हर ब्रांच पे, हर जगह हम जरूर पहुंचते हैं, ठीक है, जीडीसी जहां है वहां हम जरूर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में मुझे मजा आता है, तो जहां स्टूडेंट्स हैं, और अभिषेक त्रिपाठी सर की बात करते हैं, दिल्ली में नितिन प्रजापति, दिल्ली बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गाजियाबाद में। 60 में से 49 सही है, सईद मोहम्मद, पूरे चांसेस हैं, होप फॉर द बेस्ट, जरूर क्वालिफाई होगा। कल किस टाइम पे? सेम टाइम पे 9 PM, इसी टाइम पे हम कल की क्लास कंडक्ट करेंगे। सर नाइपर का स्टार्ट कर दूं ऑनलाइन? कर दो शुरू ऑनलाइन। सौरभ अभी थोड़ा वेट करते हैं, रिजल्ट के वेट के बाद। इस्तिकार, गाजियाबाद की ब्रांच के लिए ऑफिस के नंबर पे कॉल करिएगा, जरूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके सर, बी फार्मा कितने? सर टोटल कितनी सीट्स होती हैं? टोटल सीट्स इसमें काउंटेड नहीं होती, बट अराउंड 3000 क्वालिफाई एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं यहाँ पे। इज देयर एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चंस? एनटीए विल कंसीडर दैट एंड गिव यू द मार्क्स ऑल? अगर हाँ, कोई क्वेश्चंस अगर गलत है तो वहां पे आपको जरूर होगा। आपका क्लास ज्वाइन करके बहुत फायदा हुआ सर, थैंक यू पंकज, थैंक यू, डेफिनेटली। नाइपर जेई का क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? अर्पित, आफ्टर जीपैट रिजल्ट, जीपैट रिजल्ट के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। सर हमें तो आपसे ही पढ़ना है। सीखा, जरूर, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। नहीं, अभिषेक सर का नंबर पीयूष ये नहीं है, बिल्कुल भी पीयूष विभो ये हमारा नंबर नहीं है, आप गलत नंबर प्लीज मत दीजिएगा। सर जीडीसी पेरेंट ब्रांच, जीडीसी पेरेंट ब्रांच हमारी बिलासपुर जीडीसी पेरेंट ब्रांच। थैंक यू मिलिंद, थैंक यू। वेस्ट बंगाल में नहीं डियर, वेस्ट, जी हाँ, बेरहमपुर में जीडीसी ब्रांच है,
एक्समैन, आप जीडीसी क्लासेस ऐप के कॉन्टेक्ट में जाके आप वहां कॉल करिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। थैंक यू तबीश, थैंक यू। 52 सही है, अरे वाह रविंदर बहुत बढ़िया, अगर 52 सही है तब तो आग लगा दिया है, बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट। 58 आउट ऑफ 60 श्रीराम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर ये आपका बेस्ट लेवल है। थैंक यू पंकज, थैंक यू, बिल्कुल एवन, थैंक यू जी। पैट के बाद पौड़ी होगी, बिल्कुल पौड़ी होगी निव्यूज, बिल्कुल भी होगी। ओके, रिजल्ट कब तक? 10 मार्च तक, 10 मार्च तक हम रिजल्ट का वेट करते हैं, 10 मार्च तक होप सो रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए, पेरेंट ब्रांच जीडीसी बिलासपुर, जीडीसी बिलासपुर पेरेंट ब्रांच है। शुभम पंजाब में है, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी पंजाब में नहीं पहुंचे, सॉरी। इज देयर एलिजिबिलिटी टू नाइपर फॉर 3 ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर? नहीं, थर्ड ईयर की बात कर रहे हो तो आप नाइपर कहां से जा रहे हो बच्चे? ओके, चलिए तो आज की क्लास फिर मैं यहाँ एंड करता हूँ। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर किया, जो भी डाउट्स थे। 49 आउट ऑफ 61 फार्मेसी अड्डा, अगर आपका शायद रियल नेम होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। जीडीसी गाजियाबाद, जावेद अलवी, जीडीसी गाजियाबाद, जस्ट कॉल ऑन द ऑफिस नंबर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। आपको लिंक में, इसी वीडियो के लिंक में अभी आपको सारे नंबर मिल जाएंगे, आपको जिस ब्रांच के लिए चाहिए आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। सर आपका लास्ट डे का इफर्ट फॉर अस वॉज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू, थैंक यू AK07, थैंक यू सर। DI की तैयारी करनी है, DI, ओके सर। हैदराबाद को आपकी ही ब्रांच है या अदर है? नहीं, हैदराबाद में जीडीसी के ऑफलाइन क्लासेस नहीं है डियर। आई मीन फार्माकोलॉजी बिकॉज ऑफ यू माय टीचर चंद्रकला मैम, यू बोथ आर ग्रेट, नो मैटर हाउ मेनी आई गेट नॉलेज, बिकॉलॉजी इज द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। ये कॉमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट आप लोगों का ना डेफिनेटली हमें हेल्प करता है कि हाँ हमें और अच्छा करना है, और बेहतरी बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, ये हमें बहुत मोटिवेट करना है। सर 140 EWS क्वालिफाइड होने के चांसेस पूरी तरह बने हुए हैं, पूरे बने हुए हैं। जयपुर में आपकी जरूरत है शर्मा। ओके सब आपके हार्डवर्क का कमाल है। अजीत थैंक यू, थैंक यू। ओके, भोपाल में कहां है जीडीसी? आपको इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा एड नंबर, आप उन पे जरूर कॉल करें, आपको जरूर सारी इनकार मिल जाएगी। केशव वेरी इंफॉर्मेटिव एंड प्रिशियस, थैंक यू, थैंक यू। जहां भी हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया आज वो जरूर हैप्पी है, मुझे पूरी उम्मीद है। जीडीसी इज वर्किंग डे एंड नाइट आप लोगों के रिजल्ट के लिए, हर तरह से हम कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है, देन जीडीसी प्राइम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन ये कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, सारी चीजें आपको वहां पे बहुत ही इजी वे में मिलने वाली है। तो जरूर आप लोग तैयारी करें, और अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, देन जीडीसी प्राइम प्लेटफॉर्म एंड जीडीसी प्राइम प्रोग्राम इज बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू। आप उस वीडियो को देखिएगा, मैंने सारी चीजों को कंप्लीट डिटेल में बताया है। जिन भी बच्चों को तैयारी करनी है जरूर उसके लिए लगिएगा। इलाहाबाद में ब्रांच कहाँ पे है सुनील कुमार? इलाहाबाद में ब्रांच आपको नियर द सीएमपी डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास में आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड पार्ट कल आएगा, सेकेंड पार्ट इसका कल आएगा, आपके हार्डवर्क का कमाल है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब आज की क्लास में यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं। अर्पित चौधरी, आई क्वालिफाइड जीपैट प्रीवियस ईयर, कैन? बिल्कुल अर्पित, आप बिल्कुल दे सकते हो, लास्ट ईयर आपने क्वालिफाई किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द नाइपर एग्जाम दिस ईयर। सर जनरल का कट ऑफ अराउंड 160 प्लस माइनस 5। ओके, जीडीसी है तो मुमकिन है, बिल्कुल, जीडीसी क्लासेस आर वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू श्वेता। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, होप फॉर द बेस्ट, एंड हम नेक्स्ट क्लास के लिए रिमेनिंग क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान इद्रीस, थैंक यू। यही नॉलेज ही एक ऐसा चीज है, एजुकेशन ही ऐसा एक चीज है जो हर कंट्री से हर स्टूडेंट्स और टीचर को आपस में जोड़ के रखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास वॉज पावरफुल क्लास, थैंक यू अखिलेश, थैंक यू। चलिए अब आज की क्लास में यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। डेफिनेटली उसमें आपको आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा, जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को हम कंपाइल करके नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। चलिए
सर अगर कोई आपकी यूट्यूब वीडियो में देख के इधर पास हो जाएगा, आप काफी हद तक चांसेस हैं कीर्ति, काफी चांसेस हैं। थैंक यू प्रसाद, थैंक यू जीडीसी, बहुत अच्छा है, थैंक यू शर्मा। बस यही चीजें, यही आपके कमेंट ऐसे होते हैं ना जो मुझे और ज्यादा हमें टीम को मेहनत को काम करने के लिए उसको रेडी कर देते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पार्ट टुमारो 9 PM वी विल टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद है जरूर आप उनको कमेंट बॉक्स में रखिए, हम उनको जरूर डिस्कस करेंगे, उनको हम कंपाइल करके नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू।